आज लेक्चर है ऑन फिजिकल फिटनेस, कल लेक्चर था ऑन मेंटल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ, पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम, ठीक है। एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो ना पूरा इफ यू स्टार्ट रीडिंग हिज क्वालिफिकेशन तो आपको ना 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या ना। आई वॉज लकी दैट आई डिड वन ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 2 months with him of a different stream of पिचोरा मिसाइल सिस्टम। हमें जो पढ़ाया जाता है या जो हम पढ़ते हैं या जो सिखाया जाता है टीवी में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, वो कितना गलत है या कितना सही है। आजकल वैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ना फैक्ट्स आते हैं ना, कोई एक शुरू कर देता है, उसमें कोई कमेंट कर देता है, लाइक होता है, तो उसको ना सारे भेड़ चाल होके उसके पीछे लग जाते हैं विदाउट थिंकिंग, ठीक है। देयर इज नो क्वालिफाइड पर्सन। सो सर ने बेसिक इंट्रो दे दिया, ओके। एंड आई एम एक्स एनडीए 40 स्क्वाड 110 कोर्स, उसके बाद एयरफोर्स अकेडमी, देन पोस्टेड टू बड़ौदा व्हिच वाज द एब्रो फ्लाइंग स्क्वाड्रन। आई वाज इन द ट्रांसपोर्ट्स एंड वहां से आई स्टार्टेड माय बॉडी बिल्डिंग करियर। एंड आई रिमेंबर पहली बार आई यूज्ड टू गो टू द जिम, तो क्या होता था, आई यूज्ड टू कैरी माय किट इन माय एयरक्राफ्ट ओनली। ट्रांसपोर्ट वालों में प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे I was in a squadron which is one of the busiest squadron of time, 11 squadron, and we used to keep on flying every day, around 8 landings, 9 landings एक दिन में होती। तो इसलिए सुबह मिला के 4 बजे टेक ऑफ एंड आई हैव टू गो। तो वहाँ से मुझे जाना है जैसलमेर, जामनगर, भुज, नाल, नदिया करते हुए उत्तरलाई एंड बैक टू बड़ौदा। अब ऑब्वियसली बीच में अगर ब्रेक आया तो आई यूज्ड टू कैरी माय किट, और जो भी स्टेशन होता था बेसिक जिम्स थे, आई यूज्ड टू वर्कआउट देयर। और वहाँ से आई रिमेंबर के आई वॉज इन द जिम इन बड़ौदा। वहाँ पे कुछ लड़कों ने बोला सर आप कॉम्पिटिशन खेलो बॉडी बिल्डिंग, मुझे भी नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग, बट आई हैड अ गुड स्पोर्ट्स बेस पहले से, ठीक है। आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स फैमिली। उसके बाद फ्लाइंग तो गई कहीं और, एंड आई वॉज कंटिन्यूसली कम्पीटिंग इन बॉडी बिल्डिंग, सो आई बिकेम द एयरफोर्स कैप्टन देयर आफ्टर 1-2 times सर्विसेज, देन मेडल इन नेशनल्स, मिस्टर इंडिया, 3 times मिस्टर बड़ौदा, 3 times मिस्टर गुजरात, सर कंटिन्यूसली उस टाइम चल रहा था। Then I remember I had a shoulder surgery. I mean, I broke my shoulder once, and काफी लंबी surgery थी, and that was the time I had to stop competing in bodybuilding. But उस time तक postings काफी हो गई, and you know, and Forge only gave me an option, so you want to move out or you want to continue. So being a flyer, I said I move out. I have avenues outside. ठीक है. So this is how I moved out, and as sir said, sir और मैंने पिचोरा का course किया था, that was again in Baroda. It was a missiles course, and उसके बाद the moment I moved out of Forge, then reality hit me. Reality समझते हो? Forge is a different life, and civil is a different life. तो being Forge when you come out ना तुम्हें लगता है नहीं यार ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन outside में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? And you have to understand the people outside. एक different concept चलता है, और plus business वगैरह मेरे आसपास भी नहीं था. I never knew what business was. Also, उस time I was writing books, so I became an author of 5 books. By that time, I retired from Air Force. But when I started my business, I opened 2 major gyms in Delhi. Abhi bhi, if you go to East Delhi, that is Karkardoman, Manin, Janakpuri, they are one of the biggest gyms in Delhi. The name of Body Mechanics. Then I started diversifying myself in business. So I started a YouTube channel around 3 years ago. मुझे कुछ नहीं पता था YouTube के बारे में, right? But now I'm almost Insta or YouTube में लाके almost 500,000 subscribers now, so it's going good, ठीक है। Then I started multiple other businesses. I have an online program called Genesis. So my channel's name is We R Stupid. Okay, what is the name? Okay, so if you go to wearstupid.com, there is a program called Genesis. I have clients in over 38 countries around the world now. Multiple doctors, CEOs, scientists, okay, whatever profession you can imagine, okay. कल रात को भी मैं generally don't sleep in the night. I mean, आज आप लोगों के लिए सोया हूँ वैसे. I work overnight, तो कल भी मैं 5 बजे सोया हूँ सुबह. I was making programs, okay, and I have written more than 90 books by now. All the books are there on the website. A lot of other things keep on happening, ठीक है. बहुत हिंदी वाले कितने हैं? सच सच बताना, इंडिया में ही होता है. हाँ वो तो हिंदी में बात करेंगे। ओके तो मैंने मूव आउट और जब मैंने फिटनेस के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यू एज यंगस्टर्स आर फेसिंग इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेस्ड। वो क्या है? सेल्फ मेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिटनेस में और हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लियर रिसर्च, क्लियर एविडेंस कि इसके बेस पे ये चीज काम करती है या नहीं करती। और एक होते हैं जो रात को किसी ने देखा टीवी 10 बजे चलाते हो तो वो ऐड आते हैं जो धनलक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र पहन लो करोड़पति बन जाओगे, होता ना। आपको पता है कितना बिजनेस करते हैं ये लोग? दे आर डूइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बिकॉज देयर आर स्टूपिड पीपल इन दिस कंट्री हु बाय सच थिंग्स, दे बिलीव इट। ओके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिथ्स की क्या होती है? अगर आपके मिथ दिमाग में घुस गई ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, कितनों को लगता है अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम होगी? ओके, सबको पता ये मिथ है। अगर अभी सबके सामने आप लोग जा रहे हो काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी ना तो सबके दिल में कुछ होगा, होता है ना। वाई? बिकॉज बचपन से वो मिथ इतनी इंग्रेन कर दी गई है कि बेचारी बिल्ली की हालत सोचो, उसे कितना कोसा लोगों ने कि बिल्ली रास्ता काट दिया, तो मेरी क्या गलती है, मैं काली हूँ। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ मिथ्स गेट इनटू। तो फिटनेस और न्यूट्रिशन ऐसी फील्ड है ना जिसकी मिथ्स एक बार दिमाग में घुस गई वो निकलनी बहुत मुश्किल। ओके, एंड देयर इज नो लिमिट टू दिस थिंग के क्या मिथ्स हैं और क्या वो हैं। नाउ मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ लेक्चर ऑन दिस बिकॉज आई गिव लेक्चर्स टू पीएचडी स्टूडेंट्स, वो लेक्चर होते हैं 6-6 घंटे के। सो अगर मैं आपको लेक्चर दूंगा यू गो क्रेजी। लेट्स स्टार्ट विद यू पीपल आस्क मी क्वेश्चंस, उसके बेस पे आई कीप ऑन लिंकिंग थिंग्स। या सर क्या होता है कि कभी बार जब हम फिटनेस के लिए स्टार्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है हमारी सोसाइटी में नॉर्मली अगर हम जाते हैं रनिंग मारते हैं पुशअप मारते हैं अपना खुद से ओपन जिम की तरह करते हैं तो लोगों को लगता है नहीं ये लड़का जिम जा रहा है तो अच्छी बॉडी बन गई है इसकी। उसका रीज़न यही होता है कि आजकल लोगों को लगता है कि जिम से ही हमारी बॉडी बनती है अच्छी। तो इसका क्या आपका क्या इसमें मानना है? वाई हम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम उससे भी कर सकते हैं और उससे भी अच्छी बॉडी बनती है। हाँ बिल्कुल, जिम तो अभी आया है, पहले तो नहीं, पहले भी जिम होते थे, बता दो पहले अखाड़े होते थे जिम में। You just name it, उसे वेस्टर्न लैंग्वेज में जिम कहते हैं। ओके, पहली चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो मिथ है ना, ये मिथ क्या है? आप अपने ना बड़ों को देखोगे जरूर ये वाली लाइन बोलते हुए, बेटा असली बॉडी जो बनती है ना वो तो खाड़ा बनती है। तो मैंने ना काफी जो बड़े होते हैं मैंने तो पूछा ये असली और नकली बॉडी कैसी, मुझे नकली बॉडी दिखाना। तो उन्होंने फिर एक दिखाया, देखो ये बॉडी बिल्डर है। मैंने कहा सर वो स्पोर्ट्समैन है, उसको हटाओ, आप मुझे डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है। तो आइडियली कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ यहाँ पे। क्यों? व्हाई आई टेल यू नाउ द साइंटिफिक रीजंस। आपकी जो मसल्स होती है ना वो ब्लाइंड होती है, ठीक है। अब लेट्स से इस चेयर का वेट 5 किलो है, ठीक है। मैंने ये 5 किलो की चेयर उठाई, मैंने 5 किलो का डम्बल उठाया, राइट, या 5 किलो की मैंने कोई बोरी उठाई, हमारी मसल्स पे कितना वेट आया? आपकी मसल्स को ये पता है कि 5 किलो आ कहां से रहा है। So this is the thing. Whether you do body weight training, whether you go to a gym, whether you do outside some form of training, कोई भी चीज उठाकर आपकी मसल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जैसे ही सेइंग बिल्कुल बन सकती है। इफ यू डू बॉडी वेट वर्कआउट आउटसाइड, ठीक है, एंड आपको पता है कि वेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस होती है, कैसे मसल्स टारगेट करनी है, यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड फिजिक। अगर आप जिम जाते हो देन अगेन इट्स द सेम थिंग, इट इज जस्ट अ प्लेस। कई लोगों को जैसे व्हेन आई हैव क्लाइंट्स, तो जैसे आई हैव क्लाइंट्स इन स्वीडन, जर्मनी। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आधे टाइम तो बर्फ गिरी रहती है, ठीक है। तो या तो लोगों ने अंदर जिम बना रखा है, घरों में नहीं है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, राइट। लेकिन मैक्सिमम लोगों को बाकी कंट्रीज में आई टेल गो टू अ जिम। क्यों? बिकॉज एक प्रॉपर फोकस जो है ना वो घर में नहीं बन पाता, राइट। इसलिए आई टेल देम गो टू अ जिम या अखाड़ा, एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट अ प्लेस। ओके, इट इज हाउ यू डू एन एक्सरसाइज। और फिटनेस एक तरह से नहीं होती है कि नहीं मैंने इसी को फिटनेस को डेफिनेशन है या ये फिटनेस है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रन वेरी गुड हियर? वेरी गुड रनर्स, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। हाउ मेनी आर नॉट गुड लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बट गुड स्प्रिंटर्स? वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ नॉट गुड स्प्रिंटर्स और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बट आर गुड इन सम स्पोर्ट्स? ओके, अब इनमें से कौन फिट है और कौन अनफिट है? लास्ट मंथ ओनली सर आई वाज इन 31 DIV आर्मड डिवीजन को मैं लेक्चर दे रहा था, तो आई वाज एड्रेसिंग ऑलमोस्ट 100 ऑफिसर्स। सेम प्रॉब्लम, मेडिकल से बहुत इश्यूज आते हैं आजकल ऑफिसर्स के बीएमआई को लेके। ओके, तो आई वाज क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ बीएमआई एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स वर सेटिंग. सो मैं तो यही बोल रहा था कि अपने फिटनेस के कंसेप्ट्स को चेंज करो, स्टॉप जजिंग एवरीबॉडी एट द सेम लेवल. कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फौज की, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम फिटनेस नहीं बोल सकते, वो एक्टिविटी स्पेसिफिक या जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अगर आप लोगों को कोई बोले यार 10 किलोमीटर भागना है, तो कई तो लड़के होंगे तो लड़कियां होंगी वेरी गुड रनर्स, ठीक है, दे विल बी ऑलवेज इन द लीड. ओके, कई ऐसे होंगे जो नहीं भाग पाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन अगर वो 100 मीटर्स भागेंगे दे विल डिफीट एवरीबॉडी. दैट इज बिकॉज जेनेटिकली आप सबका मसल फाइबर मेकअप जो होता है वो अलग है. इफ यू टेल यूसेन बोल्ट एवरीबॉडी नोस, ग्रेट, आराम से बोलो, इतना क्यों टेंशन ले. ठीक है, सो यूसेन बोल्ट जो है, एंड अगर उसको मैं बोलूं यार 10,000 मीटर भाग, विल बी एबल टू एवर विन? वो शुरू के 50 में भी नहीं आएगा. लेकिन इफ आई टेल अ 10,000 मीटर रनर, ठीक है, टू गो एंड डू अ 100 मीटर स्प्रिंट एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, वो कर पाएगा? दोनों में से okay. तो दोनों में से who's fit and who's unfit? नीरज चोपड़ा कैन रन 100 मीटर्स, कैन ही विन अ गोल्ड इन 100? No, he is great in javelin. So is he unfit? So fitness is not according to what people think. It is according to an individual. आपकी liking, आपकी preferences, ठीक है. उसके साथ फिर आता है एक healthy body fat percentage, healthy habits. कई अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो ना देखने में बहुत फिट है, लेकिन अंदर इंटरनली मल्टीपल चीजों से सफर कर रहे हैं. ओके, तो दैट इज नॉट फिट. इफ यूर इंटरनली नॉट हेल्दी, बहुतों को डाइजेशन इश्यूज होंगे, कहीं पर कोई और लिवर इशू है, कहीं पर किडनी इश्यूज हैं. देन आप बाहर से कितने भी फिट हो, इंटरनली यू आर नॉट हेल्दी, दैट इज ऑल्सो नॉट फिटनेस. सो फिटनेस इज नॉट अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट. और आगे भी व्हेन यू ग्रो अप, एज यू ग्रो अप, स्टॉप लुकिंग फॉर परफेक्शन कि मैं बस परफेक्ट हो जाऊं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये भी चाहिए. नहीं हो सकता. लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, कभी पेट भी निकल आएगा, ठीक है, बिकॉज फोकस कहीं और होगा. कुछ टाइम के बाद याद आएगा, नहीं यार अब टाइम मिल रहा है, लेट्स गेट बैक टू फिटनेस. तो ये नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट करना, उसे भागना और टेंशन मत ले लेना कि ये क्या होगा लाइफ में. ओके, सो गॉट द आंसर. या नेक्स्ट. ये जो रेशियो है कहाँ से आया, कभी सोचा किसी ने? देयर इज नो सच रेशियो. ये रेशियो अगेन इज वन ऑफ द मिथ्स. किसने स्प्रेड किया? अगर मैं ट्रेनर हूं तो मैं ज्यादा वेटेज किसको दूंगा? एक्सरसाइज को. अगर मैं डाइटिशियन हूं तो मैं ज्यादा वेटेज किसको दूंगा? डाइट को. ठीक है, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं जनरल हेल्थ को ज्यादा बहुत दूंगा. लेकिन इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट है. ओके, द रेशियो इज 100% एक्सरसाइज, 100% डाइट, 100% स्लीप. ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर थिंक, इन तीनों में अगर तीनों में से कोई भी चीज खराब चल रही है तो बाकी दो अगर बेस्ट भी चल रही है, बैलेंस कर सकते हो. यू आर इन अमेजिंग शेप, बहुत परफेक्ट बॉडी है, बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन रात को ना नींद नहीं मिली 2 दिन. कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे? अंडरस्टैंड? सो इट्स इक्वल रेशियो, राइट. नाउ देयर इज समथिंग एज यू सेड, कंट्रोल नहीं हो पाता नहीं है. एक तो डोंट से दिस लाइन, दिस इज अ वेरी सेल्फ डिफीटिंग लाइन. ओके, कंट्रोल हो नहीं पाता नहीं, हम कंट्रोल नहीं करते. सो व्हेन यू टेक इट ऑन योरसेल्फ, नाउ यू विल कंट्रोल. पहली चीज एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर रही, राइट. सेकंड, यू नीड टू हैव एन एम कि मेरी डायरेक्शन क्या है, एम क्या है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं आ रही. तो मैं उनसे पूछता हूँ ये मोटिवेशन आएगी कहाँ से? अब फॉर एग्जाम्पल इफ यूर सिटिंग है, बैठे बैठे किसी को देखा मैं मोटिवेट हो गया हूँ, देखा मैं घर से बाहर निकल के चिल्ला रहा हूँ आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, ऐसा होता है कभी? तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एम, डायरेक्शन. अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो एम है ना कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है. कि दिल्ली में बैठ के बोलोगे यार मोटिवेशन नहीं आ रहा एवरेस्ट चढ़ने का, है ना? तो यू हैव टू हैव एन एम. तो सिमिलरली फॉर यू, इफ यू वांट टू लूज फैट नॉट वेट, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट अभी समझाता हूँ. व्हेन यू वांट टू लूज फैट, ठीक है, देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये बेसिक्स है जो मुझे फॉलो करना है, जो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं. मैक्सिमम इंडियंस के साथ यही प्रॉब्लम है. पूरी डिफेंस फोर्सेस इज सफरिंग फ्रॉम दिस मेजर इशू. यू नो व्हाट इज दैट? लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. दैट इज द रीजन जब हमारे इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स आते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स आते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फिट. बाय इफ यू गो टू यूएस, इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलियन, ऑल दिस डिफेंस फोर्सेस, आई हैव देयर ऑफिसर्स कंसल्टिंग मी these people इनके remote से remote areas में amazing gym setups होते हैं. अगर नहीं भी होते तो ये basic equipment अपना carry करते हैं थोड़ा बहुत, and they know how to do things. जैसे आपने asked for the body weight training, they know how to do body weight training. इनके स्कूल लेवल से ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनका बेस बनाया जाता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सारा फोकस शुरू से एंड्योरेंस पे रहा, राइट, एंड दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको हमने एक फिटनेस की तरह जज करना शुरू कर दिया. इसलिए ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन डिफेंस फोर्सेस. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन या आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो या आप एक 80 साल के बंदे हो या आपको छोटे बच्चे हो, स्ट्रेंथ विल ऑलवेज रिमेन योर बेस. उसके ऊपर सारी चीजें बिल्ड होती हैं. The reason we are not able to produce international athletes is because उनका strength base नहीं. The reason Neeraj Chopra and all these people are now performing because international coaches जो आए हैं उन्होंने इनकी strength training शुरू कराई. Understand? So for you also, when you focus on fat loss, because the whatever shape you are in is more also because of your genetics. Everybody is different shape, right? अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना. You have to take birth again if you want better genes, right? But with these genes, what you need to focus on is the right way of training. Keep strength training as your base, and when I say strength training, it simply means lifting weights. Weights means your own body weight. Yeah, अच्छा, अब बॉडी वेट की बात आती है. How many of you can do a proper pull up or a chin up? लड़के तो कर लेंगे नीचे. Why not? How many of you are on Instagram and YouTube? सारे हैं ना. उस पर देखते हो ना रील्स पे, गर्ल्स आर डूइंग चिन अप्स एंड पुल अप्स. हाउ आर दे डूइंग? कोई स्पेशल चीज से हुए हैं? दैट्स थ्रू राइट ट्रेनिंग. इफ यू पीपल आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड, स्कूल में तो होता ही कुछ नहीं, ठीक है. आगे भी हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ बेस्ड है ही नहीं, तो इसलिए यू डू नॉट नो हाउ टू एक्टिवेट योर मसल्स. एंड रिमेंबर वन थिंग, द मोर लीन मस्कुलर यू आर, the more fat you will burn. That is the reason. Okay, let me give you another example. Usain Bolt versus a 10,000 meter runner. Who is having more fat in the body? Usain Bolt. Yeah, I know this answer will come. No, it is the 10,000 meter runner. Usain Bolt is ripped. If you see, he is below 10% body fat. The guy who is 10,000 meter runner, he is patla. He is not having less fat. He is having less muscle mass. That type of a guy is called skinny fat. If you remove his T-shirt, he is having lot of fat in the body. If you check his fat percentage properly, ठीक है, machines के through, तो आपको पता लगेगा उसका muscle mass बहुत कम और fat काफी ज़्यादा. This is the reason most people who are looking to lose fat and get stronger are not able to understand that training क्या करनी है. वो क्या कर रहे हैं? They are doing marathon type training, running. What? Okay. Right now I can see lot of girls and guys who are slightly overweight and lot of fat in the body. Okay, now if I tell these girls आपको फिट होना, सबसे पहले बताना क्या करोगे? यही है ना आंसर, है ना. उसके बाद आप जो लड़कियां कह रही है रनिंग करोगी, 10 पुशअप कौन मार लेता है प्रॉपर? So there is one girl out of 2-3 girls out of everybody. Why? Because we have been taught in a wrong manner कि fitness का मतलब है long distance running. Now when you girls who are fat they start running excessively, तो क्या होगा? ये वो प्रॉब्लम होती है जिसको लोगों को समझ नहीं आता. वो क्या है? फैट वर्सेस वेट. यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट विच इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू योर बॉडी. मेरी आपकी यहाँ पे 5'9" हाइट के कौन है? 5'9", 5'10" समवेयर. ओके, क्या आपके हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट स्टूपिड हाइट वेट चार्ट? तो आइडियली इफ यू गो टू फौज, कितना एक्सेप्टेबल आपकी उसमें? 75, 80. माय वेट इज 95 kg. डू आई लुक अनफिट टू यू? व्हाई? बिकॉज द मसल्स आर हेवियर. ओके, दैट्स व्हाई इफ यू सी अ 100 मीटर रनर, अ बॉडी बिल्डर, दे आर वेरी लीन, वेरी फिट, वेरी लो फैट परसेंटेज, बट दे आर वेरी हेवी बिकॉज मसल्स वे मोर. मसल्स बहुत डेंस होते हैं. अगर 1 किलो मसल लूंगा वो इतना सा और 1 किलो फैट इतना. So when you talk about fitness basis strength, so if you want to lose fat now, start with strength as your base. ठीक है, over that any amount of running, skipping, you know, you want to go for a cycling, जो भी करना है, cardio activities सारी करना, but keep strength as your base. Then you will focus on fat loss and becoming fitter and stronger, not thinner. Okay. Okay, yes. Sir, yes. Can we run if we are gaining weight? Because I am very fond of running, so if I want to gain weight, so can I run long distances regularly? Okay, how much weight do you want to gain? I mean, not underweight or something. Sir, I want to get around 7 to 8 kg. Okay, but no, running is never a problem. Excessive running and not balancing everything else. Okay, so जितने लोग यहाँ परेशान है ना वेट लॉस से, उतने ही वेट गेन से भी परेशान है। जो लोग एक्टोमॉर्फिक फिजिक है, पतले पतले लड़के हैं, उनके लड़कियां हैं, उनका वेट गेन नहीं होता, राइट? सो दे आर ईटिंग अ लॉट बट वेट गेन नहीं हो रहा, ओके? तो वो भी उतने स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ इफ यू लव रनिंग, कंटिन्यू इट, नो प्रॉब्लम्स, बट सम पीपल दूर हो पहले, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसलिए। ये जो सम पीपल है ना, चारों तरफ ये सम पीपल फैले हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट बोली, स्टूपिड स्टेटमेंट है, कोई लॉजिक नहीं है, तो मैंने उससे पूछा, यार ये कहाँ सुना तूने? सर वो मेरे ना दोस्त के अंकल के चाचा के बेटे के ना वहाँ से वो हुआ है, मैंने देखा है। आया समझ? ना तो कोई दोस्त है, ना उसका चाचा, ना उसका कोई बेटा है। दिस समवन क्या है? दिस इज दोस पीपल जहाँ से मिथ्स आती है, सेल्फ मेड मिथ्स। इनके प्राइमरी एग्जाम्पल थे आपके रिश्तेदार होते हैं ना, जब रिश्तेदारों के बीच बैठते सारे एक से एक आते हैं। इंडिया में एवरीबडी इज अ डॉक्टर। आप एक काम करो, डॉक्टर के पास मत जाओ बीमार होने पर, चाचा जी को फोन करो, मामा जी को करो, देखो फोन पे ही डॉक्टर बन जाएंगे। बेटा मैं बताता हूँ, ये कर, ठीक है? सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इज रिसर्च बेस्ड। रनिंग विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम, एक्सेसिव रनिंग विल कॉज अ प्रॉब्लम। वो भी तब या तो बहुत एक्सेसिव है, साथ में ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, ना यू आर ईटिंग मोर, यू नीड टू ईट, ओके, बिकॉज ऑफ योर फिजिक। तो अगर वो भी नहीं हो रहा है and excessive running हो रही है, तो of course you will lose muscle mass. Okay, that's why whether you want to lose or gain, strength is the base. Okay, yeah. जैसे काफी लोग बोलते हैं कि जब हम जिम करने जाते हैं तो जिम ट्रेनर ही बोलता है कि आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा तभी आप जिम कर सकते हो या बॉडी बना सकते हो। मतलब ऐसे कोई वेजिटेरियन होगा तो वो तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ, I can make a good physique. Okay. Again, पहले तो ऐसे ट्रेनरों से दूर रहो, ठीक है? और इनसे पूछो कि ट्रेनर बना कैसे। 90% ट्रेनर्स इन दिस कंट्री आर 10th एंड 12th पास। डोंट इवन इमेजिन के देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड टू बिकम अ ट्रेनर। जो सर्टिफिकेशंस हैं इंटरनेशनल, दे आर ओनली कि आपको अच्छा लगता है एंड यू वांट टू डू, राइट? अराउंड सम इयर्स बैक तक आई वाज द मोस्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन द कंट्री, ठीक है? आई मोर देन 25 सर्टिफिकेशन, व्हाट विल आई डू? चार डालूंगा उसको, ओके? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू गेन आउट ऑफ इट। मैक्सिमम पीपल डोंट वांट टू रीड, उनको ट्रेनर ट्रेनिंग एक इजी प्रोफेशन लगता है, इसलिए एंटर कर जाता है, क्योंकि देयर इज नो गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन। सेकंड, रिमेंबर दिस लाइन नाउ, एंड इफ एनीबडी सेज, से अक्षय चोपड़ा से बात हुई थी, दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके, नाउ एवरी न्यूट्रिशन बॉडी इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग NIN व्हिच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया हैदराबाद में, दे हैव गिवन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, स्पेशली प्रोटीन की बात करते हैं हम इसमें, protein intake of a vegetarian and a non-vegetarian. It is how you balance. I'll give you an example. एक मील में जो इंसान चिकन या एग ज्यादा खा रहा है, वो उतने दाल राजमा कम ही तो खा रहा है ना। Understand? It is how you balance. For example, I made a video on this. ये जितने topics आप बोल रहे हैं ना, I've already made video. I have more than 800 videos on the channel. All videos are there with proper blogs and articles. ठीक है? So when you talk about the Indian diet में बोलते हैं, Indian diet protein poor है, सुना ना? कि protein बहुत कम है हमारी diet में। हमारे डाइट में प्रोटीन कम नहीं, हमारी चॉइसेस खराब। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेट लेता हूँ लंच में, ठीक है? अब उसको डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम लोग जाके आधा किलो चावल भर लेंगे, तो बेचारी दाल की गलती थोड़ी है। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स योर चॉइसेस, इट्स हाउ यू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन। ओके, सो बीइंग अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डजंट मेक एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस। इवन वीगन्स, वीगन पता है डिफरेंस वेजिटेरियन वीगन्स में? ओके, किसको नहीं पता? ओके, बेसिकली वीगन्स आर जो मिल्क प्रोडक्ट्स या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, ठीक है? मतलब थोड़े मेंटल होते हैं, ठीक है? तो फॉर सम स्टूपिड रीजंस ऑफ देयर, या फिर कोई रिलीजियस रीजंस की वजह से होता है, अदरवाइज तो वीगन्स में भी प्रोटीन की या किसी की कोई डेफिशिएंसी नहीं। इट इज हाउ यू चूज एंड हाउ यू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन, ठीक है? या सर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, पहले मैं कबड्डी खेलता था, बट क्या हुआ कबड्डी में जब स्टेट लेवल खेलने गया था मैं, तो उस टाइम पे मतलब रेड वगैरह डालने जाते हैं नॉर्मली, तो लिगामेंट टूट गया था उसमें, ACL। हाँ ACL लिगामेंट, तो ACL टूटने के बाद सर्जरी हुई, उसमें जो रॉड वगैरह वो डाला उन्होंने, रॉड नहीं डली थी, नेट बोल्ट लगाया था, और वो बोला था गल के हड्डी बन जाएगा। ओके ठीक है, यहीं पे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में होता, बट वो बाद में इन्फेक्शन कर रहा था, तो फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो अभी नॉर्मली सही चल रहा था। मैं डेली सुबह 5 किलोमीटर मारता था, शाम में कभी कर 2-3 किलोमीटर और भी लग जाते थे, बट अभी नॉर्मली क्या हुआ, हमने एक दिन सोचा 1600 मारते हैं, तो उस दिन मारा। अब वो 2-3 दिन से लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नॉर्मली ड्रिल वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। सर नाउ ACL इंजरीज आर वेरी कॉमन, मुझे ना एक इंडिया की इंजरी याद आती है, बस वो आई कीप ऑन मीटिंग ACL एंड PCL इंजरी केसेस। कोई नथिंग ग्रेट, योर डायरेक्शन वेंट रॉन्ग, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ योर डॉक्टर, इसको बताना चाहिए था, एंड योर फिजियो। ठीक है, आई रिमेंबर देयर वाज वन ऑफ माय कोचमेट्स, और हम फुटबॉल खेल रहे थे, एंड दिस गाय, इसने ही किक्ड एंड समबडी स्टेप्ड ऑन हिज फीट। ओके, तो देयर वाज टू इंजरीज एक साथ हुई थी। दिस गाय वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड समबडी स्टेप्ड ऑन हिज फीट, एंड देन अदर गाय फेल ऑन हिज टिबिया, and his tibia broke and came out of the skin like this. हम दोनों साथ एडमिट थे हॉस्पिटल में। I broke my thumb in football, I was a goalie, so हम दोनों फिर enjoy करते थे मैच में। And the second guy was जिसका basketball में somebody stepped on his feet and his thing entire knee rotated, तो सारे ligaments टूट गए। ठीक है, तो ये इंजरी स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है। ओके, देखिए अगेन द सेम प्रॉब्लम हैपेंड, जो ACL और knee injury वालों के, meniscus tear हो, PCL tears हो, ये सबसे कॉमन और गलत एडवाइस। द मोमेंट यू स्टार्ट, जैसे ACL वो हो गई, सर्जरी हो गई, ठीक है, रेटिकुलर रिपेयर कर दिया, उसके बाद सबसे पहले फिजियो होता है। फिजियो में क्या कराते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ वर्क, उसके बाद जिंदगी, जिसे हम पोस्ट रिहैबिलिटेशन कहते हैं, व्हाट यू डिड इन फिजियो इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन, यानी एक नॉन फंक्शनल से फंक्शनल स्टेट में आना। उसके बाद पूरी जिंदगी क्या है, पोस्ट रिहैब, और वहां हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। दैट इज द रीजन। लुक आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं कुछ स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करता हूँ, वो आई ट्रेन फॉर फ्री। ठीक है, नाउ आई एम नॉट डूइंग बिकॉज ऑफ माय बिजनेस कमिटमेंट्स, बट आई हैड 4-5 टॉप स्पोर्ट्समैन इन द कंट्री। वन वाज नंबर 2 स्कॉश प्लेयर, ही इज इन US नाउ। अनदर वाज नंबर 1 स्विमिंग चैंपियन, ठीक है। अनदर इज करंट UP टीम क्रिकेटर, क्रिकेट रणजी कैप्टन करण शर्मा। तो ऑल दीज वर माय स्टूडेंट, आई यूज्ड टू ट्रेन देम फ्री, सेपरेटली, सीक्रेटली ट्रेन करता था। तो the Scotch, what is his name guy, the Scotch guy, he came with a ankle injury with, तो उसका भी सेम था, tear, underwent surgery, but उसके बाद he didn't know कि आप क्या करें, क्योंकि if he wants to come back तो उसको proper rehab चाहिए। So I spent around 3 to 4 months with him, back to top 5 position and straight to US 100% scholarship. Why? Because I just did what was missing. What was that? Strength training. 1500 मीटर भागने में प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर 1500 मीटर। उसके लिए हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर जॉइंट्स, ओके, ताकि वो ACL रिपेयर इज अ वेरी कॉमन सर्जरी, हर दूसरा तीसरा फुटबॉलर ACL से सफर कर रहा है, बट दे ऑल कम बैक। ठीक है, मैक्सिमम वर्ल्ड ओवर कोई प्रॉब्लम, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्यों होती है, बिकॉज हमारी डायरेक्शन ही गलत है। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन फोकस ऑन योर लेग स्ट्रेंथ। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, आपके जॉइंट्स को हम कुछ नहीं कर सकते, you can only strengthen the muscles around. jitni muscles strong hongi utna joint strong hoga. okay, kabhi koi joint exercise nahi hoti, it's all your muscle exercises. so if I want to strengthen my knee, I have to focus on which muscle maximum, thighs, calves, lekin sabse important hamstring. okay, lot of sprinters have this problem. okay, so hamstring, calves and quads, thighs, in pe focus karo. give yourself at least 2.5-3 months. do not run excessively abhi, focus on strength training every day, try and do some basic leg workouts. squats वगैरह आप सब कराते हैं, squats and all जो तुम करते हो ना, they are basic workouts, उनको थोड़ा ज्यादा amount पे, you need more volume. ठीक है, तो understand squats, gym में extensions, leg curls, ये basic exercises, then you will see not only you will recover, your performance will also boost. तुम्हारा timing improve होना शुरू हो जाएगा, your rates will be faster, better if you play kabaddi. yeah, नहीं खेल सकते हो, बट यू नीड टू गिव योरसेल्फ टाइम। ठीक है, क्योंकि सेकंड सर्जरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है वापस नहीं आ सकते, लेकिन प्रॉपर एक रिकवरी के साथ आना पड़ेगा। ओके, ऐसे बोलते हैं Impressive, good. How many know about isolates, concentrates? नाम किसके साथ सुना हुआ? Good. Okay. So there are a lot of protein supplements in the market. Okay. पहली चीज तो एक और अब ये बिल्ली वाली मिथ है, ठीक है? और ये अंकल से सुनने को, आंटियों से सुनने को मिलेगी, ठीक है? How many of you think protein supplements are harmful for the body? Protein supplements हमें नहीं लेने चाहिए. मम्मी आप बोलते हैं वो तो बिल्कुल ओके या प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, ठीक है ओके. हाउ मेनी ऑफ थिंक दे आर नॉट हार्मफुल और हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग जो सोच रहे हैं नहीं तो फिर कहेगा नॉट हार्मफुल. ओके आई विल टेल यू व्हाट इज द मेन इशू. कुछ चीजें ना जो स्टार्ट हुई हैं वो हमारे कंट्री में काफी बाद में आई. अब जो चीजें बाद में आई है ना उनको हमारे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन को एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. Now I'll tell you what blunders our parents have done. हमारे पेरेंट्स ने क्या पाप किया हमारे साथ, ठीक है? और अब उनको छुपा रहे हैं, पता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे उनको सही चीज बताओगे ना तो आंसर तो होगा नहीं. और क्या बोलते हैं तो हमें सिखाओगे, अच्छा बेटा बाप है तुम्हारे, या किसी रिश्तेदार को जो अंकल हैं, अब तुम हमें सिखाओगे जो बाल है धूप में थोड़ी सफेद किए, वो आइडियली धूप में सफेद किए, ठीक है ओके. अब ये क्यों होता है? बिकॉज अगेन रिसर्च, साइंस, रीजंस नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो ये वाली बातें बोलना शुरू करते हैं. ऑलराइट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स, द मोस्ट कॉमन प्रोटीन सप्लीमेंट वो कौन सा होता है? वे, W-H-E-Y. क्या होता है वे? सर नॉन शुगर प्रोटीन, नॉन शुगर, नॉन शुगर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इनसाइड. वे क्या होता है? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये आता है ना, आप लोग वे प्रोटीन सुनते रहते हो, कभी किसी ने ये पूछे है क्या? पहला क्वेश्चन तो पूछो कि है होता क्या, किससे बनता है? जब पनीर निकालते हैं सर पानी. नो नो, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स, बट ऑफ कोर्स इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, लेकिन व्हाट इज दैट? पनीर के पानी. इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. या सर पनीर के पानी से. यस. कभी दही का पैकेट खोला है, ऊपर पानी होता है, पनीर के साथ पानी निकलता है, दैट इज वे प्रोटीन. अराउंड 50 इयर्स बैक people were throwing that water. वो किस लिए यूज, आज भी वो पानी किस लिए यूज होता है पता है? पिग्स वगैरह की फीड के लिए, एनिमल फीड के लिए. क्यों? क्योंकि इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन. कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने देखा यार ये पानी फेंक रहे से टेस्ट करते हैं, एंड दे फाउंड कि उसके अंदर दिस इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन. सो फैक्ट्रीज वगैरह में जब वे कलेक्ट करा जाता है, मिल्क कलेक्ट करते हैं, फिर उससे पनीर निकालकर उसका वो निकालते हैं, पानी लेते हैं, उसको फिर स्प्रे ड्राई करके उससे पाउडर बनाते हैं. जैसे आपके बाकी सारे पाउडर्स बनते हैं वो इसी फॉर्मुलेशन से बनते हैं, राइट? बेबी फॉर्मूलाज देखिए जो बच्चे खाते हैं छोटे, ठीक है हाँ, सेरेलैक जैसा कूड़ा जो खाते हैं बच्चे, तो उसके अंदर प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या होता है पता है? इट्स वे प्रोटीन. पढ़ना. नाउ आस्क योर पेरेंट्स कि ये तो बेबी फूड्स हैं, इनमें तो वे प्रोटीन है, हमें कह रहे हो वे प्रोटीन नहीं खाने के लिए, राइट? Now, whey protein is not just good, it is the protein जहाँ से सारे प्रोटीन्स को मेजर करा जाता है. जो बेस प्रोटीन होता है पहले वो एग होता था जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 मान गया. नाउ इट इज वे, इट इज इवन हायर. वाई? बिकॉज वे को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कोई मेजर एफर्ट नहीं करना पड़ता, इट्स वेरी प्योर, ठीक है? मैक्सिमम पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पीपल हु आर एल्डरली, हु आर सिक, HIV पेशेंट, AIDS पेशेंट, दे आर ऑल गिवन वे प्रोटीन बिकॉज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन का डब्बा सबने देखा या पैक देखा है, उसके अंदर स्कूप होता है. दैट स्कूप इज ऑन एन एवरेज अराउंड 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑन एन एवरेज, ठीक है? 24 ग्राम्स प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? इक्वल करो फूड के साथ, यानी 4 होल एग्स, 4 पूरे अंडे, 1 स्कूप प्रोटीन. अब किसी को 4 अंडे खाने हैं, कितना हैवी, प्लस द फैट परसेंटेज कमिंग इन. उसकी जगह अगर आप प्योर वे ले रहे हो तो क्या होगा? एज अ सप्लीमेंट क्यों लेते हैं? व्हाई डू वी टेक सप्लीमेंट? सप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल टू फूड. तो मैक्सिमम केसेस में आज के लाइफस्टाइल में मल्टीपल रीजंस की वजह से जब डाइट पूरी नहीं होती तो वी ऐड अ स्कूप ऑफ वे, तो हमें ये टेंशन हो जाती है कि खत्म यार, अब हमने एटलीस्ट एक स्कूप ले लिया. किस उम्र के लोगों को लेना चाहिए? जब से वो पैदा हुआ तब तक वो मरता नहीं. एवरीबडी एंड एनीबडी कैन टेक. ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, एनी डॉक्टर इन द कंट्री कैन चैलेंज. I've written an entire book, more than 130 pages on whey protein. इंडिया की सबसे बड़ी whey protein की सीरीज भी मेरे चैनल पे है, चेक करना, ठीक है। Whey protein is one of the safest protein. Concentrate isolate में कोई मेजर फर्क नहीं होता. Concentrate is having more of carbohydrates and fat थोड़ा ज्यादा होता है. It can range from somewhere around 80 to 90% pure protein. 10% can be carbohydrates and fats and other things. Isolate is generally 95 to 99% pure protein. 8+ पॉइंट आइसोलेट का होता है पीपल हुआ लैक्टोस इंटॉलरेंट, जिनसे दूध हजम नहीं होता, तो वो वे कॉन्सेंट्रेट नहीं खा पाते. आइसोलेट में से लैक्टोस जो होता है वो निकाल देते हैं, तो इसलिए फॉर पीपल हु आर हैविंग मिल्क इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, लैक्टोस इंटॉलरेंस, उनके लिए आइसोलेट इज बेटर. बट फॉर मोस्ट पीपल आई वुड नॉट रिकमेंड आइसोलेट बिकॉज प्राइस हाई चला जाता है सडन फॉर नो रीजन, जस्ट 5-7% के लिए, ठीक है. सो यू शुड ओनली गो फॉर वे. मैक्सिमम केसेस फॉर यू और एनीबडी सिटिंग हियर, वन स्कूप इज मोर देन एनफ. बट वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. Akshay, but instead of taking additional whey protein लेने के बजाय, why not take normal पनीर का पानी बनाते हैं? हम तो घर में तो पनीर खाते ही हैं, तो पनीर का पानी क्यों ना ले, जैसे आटा में गूंथ लो. Very good question. ये कर सकते हैं, लेकिन sir to make that 1 scoop of protein you need at least 3 liters of whey पानी. You getting me? So ये क्वेश्चन भी कॉमन है. आई मेड अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन कि हाउ मच कांट वी हैव नॉर्मल पानी. पहले तो सबको पानी इतना अमाउंट में नहीं मिलेगा, उसको ड्राई करके इतना सा पाउडर निकलता है, इसलिए द बेस प्योरिफाइड फॉर्म, इसलिए वो कॉस्टली होता है. ओके, सो एक आइडिया बिल्कुल सही है. इफ यू वांट टू यूज दैट पानी आटे में बनाने के लिए, किसी और के लिए, सुबह एक ग्लास पी लिया, वो फॉर इट, ज्यादा पियो, कोई टेंशन नहीं, वे तो आ ही रहा है, ठीक है. अदरवाइज इफ यू वांट मोर प्योर फॉर्म देन पाउडर इज देयर, राइट. या सर, जैसे कि पहले मैं नेशनल्स खेल चुका हूँ, 4 नेशनल्स जा चुका हूँ एथलेटिक्स के लिए. सर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट. सर तो उसमें तो जैसे स्कूल टाइम पे 3 बार तो एयर हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट किया मैंने, और 1 बार ओपन नेशनल हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली इस साल मेरे एक एक्सीडेंट में लेफ्ट लेग की 3 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी. तो उसमें स्क्रूज एंड प्लेट्स फिट हुए थे. तो अब जब ये तो उन्होंने कहा कि 1.5 ईयर का पूरा रिकवरी प्रोसेस है, जिसमें वापस से सारी चीजें हटाएंगे. तो अब मैं वापस स्प्रिंट में जा सकता हूँ कि नहीं? एज कितनी है सर? 21. नो, यू कैन गो बैक टू स्प्रिंट, यू कैन डू वेरी गुड, बट यू मे नॉट बी विन एट द टॉप लेवल. स्प्रिंटर तो बन जाओगे 1.5 साल के बाद, यू स्टार्ट रिकवरिंग. फोकस चाहिए थोड़ा, मतलब लोग बोर हो जाते हैं और कुछ नहीं होता कि यार छोड़ अब क्या करना, नहीं होता. इवन इफ यू कम बैक, द प्रॉब्लम इज 21 is not the age to become a athletic champion. This is the age to retire as a champion in most cases. ठीक है, maximum sports में, especially athletics वगैरह हो गए, इसमें you have to start as early as 5 to 6 years of age. By the time you are 20, you should be peaking. If you start now at 22, 23 years, ठीक है, then कोशिश कर सकते हो. ऐसा नहीं है, लाइफ लॉन्ग फिट रह सकते हो, आगे जाके खेल सकते हो, ठीक है. एक बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है, लेकिन इट्स नॉट, आई नॉट से यू सडनली बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन. वो लेवल अभी क्रॉस हो गया है, बट येस यू कैन डू वेरी वेरी गुड एट नेशनल. आगे पता नहीं, इफ योर जीन्स आर वेरी गुड एंड यू रियली फोकस्ड टुवर्ड्स दैट, मे बी. मतलब रिकवरी, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना कि स्प्रिंटिंग कर ही नहीं पाए या दौड़ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ? अभी स्क्रूज डिसॉल्वेबल है कि निकालेंगे 1.5 साल बाद ना, उसके बाद यू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस, हो जाएगा, नथिंग. नितिन कौशिक सर, में 3 डाउट है सर. एक तो मुझे लगता है मिथ है कि हमें रात को सोना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए. और सर एक तो कर दो, भूल जाऊंगा. तेरे डाउट है. ओके, सो पहला चीज है रात को सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना. हाँ, मतलब नॉर्मल जैसे सोते हैं सारे. और इससे रिलेटेड भी कुछ था कि यही पहला आइसोलेटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है. ओके, सो नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. आपकी कॉलोनी में चौकीदार देखा है? कितने चौकीदार मर जाते हैं बेचारे 40 की उम्र में? ये कितने हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं भाई? ओके, नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट स्लीप. सो आई वाज लास्ट ईयर, कोविड से पहले वाले साल में, आई वाज एन ऑल इंडिया रेडियो. तो व्हेन आई वाज गिविंग दिस टॉक, तो ऑल इंडिया रेडियो में सेम क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन चिल्ड्रन इन दिस स्लीप. एक कोट था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड स्टूपिड, है ना. या ओके, सो ओके, सो नाउ ये कोट वाज नॉट, दिस इज नॉट एन इंडियन कोट, दिस इज एन इंटरनेशनल कोट. लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पुराने जमाने में भी यही बोलते हैं भाई, सुबह उठो, जल्दी उठो, बिल्कुल ठीक बात है। जो ये लोग बोलते हैं अगेन द सेम जनरेशन प्रॉब्लम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट टाइम यू स्लीप एंड व्हाट टाइम यू गेट अप, वो प्रॉब्लम तो अब रही नहीं है। प्रॉब्लम इज टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। पहले जो लोग बोलते थे वेकअप एट 4 AM, वो कितने बजे सोते थे? 8 से 9 बजे सारे सो जाते थे, तो कितनी नींद मिली? ऑलमोस्ट 7 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप। अब लोग कितने बजे सोते हैं? 12 बजे नॉर्मल। और ये नहीं बोल सकते इफ एनीबडी सेज कि गलत है 12 बजे सो रहे हो, नो इट्स नॉट रॉन्ग सर, द जनरेशन इज चेंज्ड। या तो आप घर से टीवी हटाओ, मेरा फोन जला दो, ठीक है, तो ठीक है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो वी नीड टू एक्सेप्ट कि जनरेशंस हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज। अब अगर 12 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अर्ली टू राइज तो हो गया, अर्ली टू बेड हुआ, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लीप 8 से कितनी रिड्यूस हो गई? ऑलमोस्ट 50%। होता है ना, कितने लोग ऐसे लगे रहते हो फोन पे रात को, सारे के सारे ना 11 बजे फोन पे ऐसे लगे हुए, फिर नींद आई तो मुंह पे फोन गिरा, होता है ना। ओके, तो ये चीजें कॉमन है, यू कांट हेल्प इट, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट ऑफ इट, थोड़ा सा ट्राई टू स्लीप मोर। लेकिन अगर अर्ली टू बेड नहीं हो रहा है तो अर्ली टू राइज मत करो, कुछ टाइम तक तो सस्टेन करोगे, उसके बाद योर प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट सफरिंग। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट स्लीपिंग, प्रॉब्लम इज टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। मैक्सिमम पायलट्स डू नॉट स्लीप इन द नाइट, शिफ्ट चलती रहती है, फौजियों का तो पता ही है सबको, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द IT गाइज they don't sleep in the night, most of the doctors इनकी shifts लग रही है, they're not able to sleep in the night, तो वो क्या करें, बीमार पड़े? No, they have to balance it because the world has changed। या तो accept करो इस fact को कि दुनिया बदल गई है, आपके professions आने वाले time में ऐसे ही होंगे, कोई easy way out नहीं होने वाला कि नहीं हमारे को बड़े आराम से हम 5 बजे घर आ जाएंगे, हमारे को नींद मिलेगी, नहीं मिलेगी। okay, responsibilities बढ़ेंगी, right? so get this fund out of your mind। एम इज स्लीप। अगर बाई चांस सुबह की स्लीप नहीं हो पाती फॉर सम रीजन, सॉरी रात की स्लीप 4 घंटे 5 घंटे, ट्राई एंड कवर अप इन द इवनिंग और आफ्टरनून। फॉर यू 6 to 7 इज मोर देन इनफ, एक्सेस नहीं सोना है, ये नहीं कह रहा हूँ गो बहुत ज्यादा, जनरली 6 to 7 hours फॉर योर एज इज गुड इनफ, बट ट्राई एंड गेट दैट। 4 घंटे की नींद कुछ दिन तो सस्टेन कर लोगे बिकॉज ऑफ योर यंग एज, उसके बाद यू विल सी पता नहीं लगेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी सफर करने लगेगी। Okay, so it's not about sleeping at night or morning, it's about quantity and quality of sleep. Yeah, second question. Sir, second ये है कि generally fitness में बोलते हैं कि जो हमारी meals होती हैं हमें 2.5-3 घंटे के interval पर खाती रहनी चाहिए, but generally हम India में 3 meals खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, तो दोनों में कितना difference है कि हमें क्या follow करना चाहिए? Good question. ये fitness में नहीं कहते, ये Americans कहते हैं, और 6 महीने में अपनी statement change करते रहते हैं। Okay, I'll give you an example. Do you know country like अभी आपने देखा नई नई चीजें हर 6 महीने में नई डाइट पैटर्न्स के नाम सुनने को मिलेंगे, GM डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अभी कुछ और आ जाएगा। उससे पहले ये चल रहा था 6 meals a day, 8 meals a day, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट कहाँ से आए हैं पता है? दिस इज ऑल वेस्टर्न, मेनली अमेरिका। एंड डू यू नो व्हाई? बट व्हाई उनको हिट एंड ट्रायल क्यों करना, ये सोचो, because that is one of the countries जिसकी अपनी कोई native diet ही नहीं है। If you go to US, you ask कि आपके ancestors क्या खाते थे, उन्हें खुद नहीं पता, वो सिर्फ मीट ही खाते थे क्योंकि और कुछ होता ही नहीं था। If you go to South India, आपको पता है South India की diet क्या है। If you go to North India, जैसे हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, I go to राजस्थान, I go to North East, सबको पता ना सबकी स्टेट की डाइट्स क्या है, क्योंकि सेंचुरी से ये नेटिव डाइट चलती आ रही है एंड दे आर ऑल हेल्दी डाइट्स। लेकिन ये है कंफ्यूज कंट्रीज, ठीक है। तो इनके वहां ये सारी बुक्स भी वहीं पब्लिश होती हैं, ओके जापानीज डाइट, इंडियन डाइट, कभी इंडिया में सुना इंडियन डाइट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो लेकिन हम इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? बिकॉज सोशल मीडिया हमारे को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करता है। तो जितने ये सेल्फ मेड डाइटिशियन, पता क्या होता है सेल्फ मेड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, ये जो यूट्यूब पे डाइटिशियन बन जाते हैं। ओके, आई हैव अ टीम ऑफ डाइटिशियंस अंडर मी एंड दे आर ऑल मिनिमम मास्टर्स, ऑल द फीमेल्स आर मिनिमम मास्टर्स, MSc, they are qualified dietitians। एक होते हैं कि VLCC से गए, एक हफ्ते में डाइटिशियन बन गए, 6 घंटे में डाइटिशियन, ये वो वाले डाइटिशियन है। तो ये ऐसे कंसेप्ट्स लेकर आते हैं, इससे मार्केटिंग ट्रेंड्स जो है ना ये बहुत अच्छे चलते हैं। आई मैम वाज आस्किंग अबाउट कीटो डाइट, व्हाट इज दिस कीटो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड डाइट्स। ओके, यू स्टडी, गो इन डेप्थ, यू विल कम टू। शुरू के 1-2 साल बहुत चली, नाउ इट्स ऑन अ डिक्लाइन। Intermittent fasting again has some benefits. It will also decline. Again something new will come. ये आता रहेगा. There is nothing called 6 to 8 meals a day. ये concept मैंने I written an entire book on this concept. Meal frequency पे made a video on this. Check that out. उसमें मैंने clearly समझाया हमारे इंडिया में जो meals हम खा रहे हैं ना, that is one of the finest way to eat. एक तो पहले ये समझो कि आप इंग्लिश कौन सी यूज करते हो, आते तो इंग्लिश में कंफ्यूज हो. हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश यूज नहीं करते. सो हम जब चाय पीते हैं उसको हम मील नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, स्नैक, है ना. दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश. तो तुम्हारे दिमाग में फिर रहेगा यार कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, यार एक आध मील मिस भी कर ली, तो मैंने 2 मेजर या 3 मेजर मील्स खाए, बीच में मैंने एप्पल खा लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ठीक है, दैट इज अ स्नैक. ओके, जब मील दिमाग में रहता तो लगता है यार प्रॉपर मील्स खानी है 6 मील. इट्स नॉट मील. Indian way of eating is still the finest way of eating. आपकी intermittent fasting आपके ancestors और आपके अभी भी लोग गांव में रोज कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं intermittent fasting? मैक्सिमम लोग जो गांव में खेतों में फार्मर्स वगैरह है, कितने बजे डिनर करते हैं अपना, अराउंड 7. उसके बाद अगली मील कब होती है, सुबह नहीं होती उनकी, उनकी मील बहुत लेट होती है. सुबह तो चाय पीते हैं सिर्फ जाके, फिर खेत चले जाते हैं, उसके बाद 11 बजे. तो कितने घंटे हैं गैप आया उनको, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता बेचारे. आया समझ? So we the way you are eating is the best way to eat. 6 to 8 meals a day is only for specific cases. Example sportsmen. क्यों उनको 8 मील चाहिए? क्योंकि उनको इतनी डाइट चाहिए. उस इतनी डाइट को वो 3 मील में नहीं खा सकते, तो उनको डिवाइड करके ज्यादा खाना. डायबिटिक्स, कई केसेस में डायबिटिक्स में द ब्लड शुगर फ्लक्चुएट्स अ लॉट, उनको थोड़ा थोड़ा बोला जाता है कि भूखे मत रहो, ठीक है. सो इट्स ऑलवेज 3 मील्स. ओके, क्या बहुत ज्यादा नहीं. सर फिर बोलता है कि थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता तो इससे बॉडी थोड़ी नहीं. चने एंड सोया में, यूसेन इट्स नॉट अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर. सर और बट इसमें डाउट क्या था, नहीं ये था कि इसका अगर उसमें फाइबर ज्यादा है तो उसका दूसरा सोर्स कौन सा प्रेफर कर सकते हैं हम? नहीं, क्यों प्रेफर करना दूसरा, इट्स अ वेरी गुड फूड. चना इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी कार्ब्स एंड गुड प्रोटीन्स. सोया इज वेरी गुड प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन होता है, ठीक है. तो यू डोंट टेक दीस फूड्स फॉर फाइबर. फाइबर के लिए मेनली सैलेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं, ये सारे फाइबर के सोर्सेस. वी डोंट ईट सोए और चना फॉर फाइबर, वी ईट देम फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. और ये देसी जगहों पे इतने चलते हैं क्योंकि एक तो बहुत रिच अच्छे न्यूट्रिशन सोर्स हैं, सस्ते हैं, इसलिए पीपल प्रेफर. सर जैसे जिमिंग में सबसे कॉमनली सुनने में आता है कि प्रोटीन स्टार्ट कर दो, बॉडी जल्दी बन जाएगी. और एक बड़ा अजीब सा मैंने कई बार सुना है अपनी जिम में कि बोलते हैं कि अगर प्रोटीन लेते हो तो 3 साल तक वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है. अब वो आयुष्मान खुराना, आई डोंट नो, बैठो बैठो, उसकी जो वीडियो वायरल हुई थी ना, मेरी वीडियो वायरल हुई थी जो आयुष्मान खुराना पे वीडियो मैंने ही बनाई थी. एंड देन देयर इज अ वेस्टर्न गाय जिसने ही मेड आफ्टर मी, तो वी टुक माय रेफरेंस एंड इट दैट वाज स्टूपिड स्टेटमेंट. एक तो ये बॉलीवुड वालों को सुनना बंद कर रहे होते, तो ये सारे अंग्रेज होते हैं, ठीक है. Yeah, I'm telling you again, don't listen to people from Bollywood, especially actresses. उनका तो level ही अलग है, ठीक है. Stop listening to them. I'm telling you, they are very dumb from here, and I'm telling you they're very dumb. Trust me. बहुत ही कम actor actresses जो educated हैं, बाकी सारे 10वीं फेल हैं. आया समझ? If you have a good body, you do not become a coach. Remember. अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आपने मेहनत करके फिजिक बनाई, आपके कोच ने हेल्प करी, आप कोच नहीं बन गए. ओके, एंड इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि लाइव लाइट कैमरा मुंह में आया और ये कुछ भी, सर आपके 6 पैक करा था, ये कुछ भी, ठीक है. तो यू हैव वरुण धवन बिकॉज आई ट्रेन एक्टर एक्ट्रेसेस, आई नो देम, दे आर डब्बा फ्रॉम हियर. ओके, डू नॉट लिसन टू देम, दैट्स अ वेरी डेंजरस एडवाइस, स्पेशली बॉलीवुड वालों. Okay, second, most of these transformation you see Bollywood वालों की, they are not natural transformations. उनकी गलती नहीं है. आमिर खान को अगर ट्रांसफॉर्म करना है to for a particular role, he is what age? 55-60 साल का होने वाला है. इस एज में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है. तो उसको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, लेकिन लोग हाय उसने स्टेरॉइड लिए, और उसकी गलती नहीं है यार. उसने मूवी में अगर रोल करना है और उसको रिप दिखना है, he has to take it, ठीक है. तो हमें अब सलमान इस उम्र में कहां से बॉडी बनाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल. सो इफ यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स ही इज टेकिंग, उनको क्रेजी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर नेचुरल लाइक अक्षय कुमार, बिकॉज़ उसको जरूरत नहीं है, डजंट वांट टू शो बिग बॉडी. बट इफ यू वांट टू शो मस्कुलर बॉडी एट 55 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, देन इफ लाइक सलमान खान, देन यू हैव टू टेक एनाबॉलिक्स, यू हैव टू टेक ग्रोथ हार्मोन्स. वो लेते हैं, तो उनसे एडवाइस मत लो, दे आर नॉट द राइट पीपल टू गिव यू एडवाइस, राइट। सेकंड, ये जो प्रोटीन वाला थिंग है, ये सारे सेल्समैन है। एज आई सेड, प्रोटीन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाते जो ट्रेनर शुरू होता है ना, प्रोटीन ले लो, वो सेल्समैन, स्टे अवे फ्रॉम दैट। गेनर तो आई मेड अ वीडियो ऑन गेनर, वॉच दैट वीडियो। देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स व्हिच आर नॉट टू बी मेड, उन्हें बनाना ही नहीं चाहिए। वो क्यों बने हैं? वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उसमें से प्राइमरी एग्जांपल इज वेट गेनर। ये जो हर्बल लाइफ के मील रिप्लेसमेंट से शेक्स आते हैं ना, ये ऑल स्कैम्स, सारा अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है, या यू आस्किंग ऑन एकेडमी, व्हाट कोर्स आर यू डूइंग फ्रॉम ऑन एकेडमी? ओह ग्रेट ग्रेट गुड। Yeah. So, what are your views on EMS technology for an individual who is undergoing an ACL rehab and is not able to have full mobility of the body at the moment? And my second question is regarding sugar-free and other such sugar replacement. Okay. Sit down. Just tell the full form of EMS. EMS stands for electrical muscle stimulation. So, ये क्या होती है? आपने देखिए कुछ लॉट ऑफ पीपल, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो इंजरी वालों के लिए है, लेकिन आप देखोगे लोगों के यहाँ पे ऐसे वो इलेक्ट्रिक मशीन होती है और इलेक्ट्रिक ऐसे वो चेपियाँ सी लगी होती हैं वायर्स के साथ, देखा ना वो, दैट्स एन EMS मशीन। सो EMS की रिसर्च इज क्वाइट पॉजिटिव, राइट? इट्स वेरी हेल्पफुल इन रिहेबिलिटेशन, बट पोस्ट रिहैब इट नॉट टू मच, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन जो तुम्हें चाहिए थी वो कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी और EMS को मिला के यू विल गेट इट एंड गेट इट टू फंक्शनल स्टेट। उसके पोस्ट द अमाउंट ऑफ लोड विच अ मसल नीड्स दैट कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड थ्रू EMS। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू कैन, EMS डज वर्क, इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, बट EMS की जो स्टिमुलेशन है दैट्स अ वेरी लिमिटेड स्टिमुलेशन। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू गेन फुल स्ट्रेंथ एंड गेट बैक टू हिज स्पोर्ट थ्रू EMS, राइट? अनदर टेक्नोलॉजी इज BFR, सो नाउ ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन। तो BFR बैंड्स मिलते हैं मार्केट में। सो व्हाट, इट्स अ जापानीज कंसेप्ट। BFR, it has nothing electronic, it's just two straps and you just tie it either on the upper thigh or on the upper bicep. So that works on an absolutely opposite way. That is also another way that जो इंसान injured है उसको rehab में, when he cannot lift a very heavy weight, that time if he tie BFR bands, it's much more helpful along with conventional training. Similarly, EMS is very helpful along with conventional things, but as I said, कि जब तक उसकी limited stimulation करनी है तब तक it's effective, उसके बाद it won't help. Yes sir, as I had read somewhere that it helps in involuntary muscle stimulation, yes. And that is the next generation or the new involuntary muscle stimulation. Ki stimulation levels have not reached to a point wherein you will make them a very muscular person. Us level ke stimulations abhi tak nahi hui. Otherwise, every sportsman will be using that. Lot of bodybuilders have started using it, but they use it with very hard training. ठीक है, it's still an experimental stage. It may be next level, but scientifically there is no conclusive result. That's why even doctors and all who are using it, right? They are using for basic purposes. You cannot give it to a person just ki, जैसे for example he got an ACL surgery, ठीक है? इसके लिए it will be very helpful if he does with physiotherapy. But उसके बाद once he's out, then EMS will not help him much. अगर वो सिर्फ EMS ही करेगा. Okay, yeah. Second was. Sir, I have come across a few products that are EMS shots and everything for muscle stimulation. I would, after the seminar, if I could get them reviewed by you. Sure, I'll have to check the studies. Yes. The product, there is something called independent research and there is something called company funded studies. Agar aaj main product banata hu to main paise deke research kara sakta hu. That is not a valid research. To get the research, I have to check peer-reviewed papers कि इसके ऊपर independent studies कहाँ पे हैं, then conclusion I can tell you कि this works, but you can get the product definitely. Thank you, sir. Yeah, and what is the second one? Sir, sugar-free. Yes, sir. Sugar-free. Yes, sir. Artificial sweeteners. I have been told by my parents that they harm the kidneys and everything. So. Okay. Okay. So the artificial sweetener concept again was not an Indian concept. Western concept में start हुआ था and they started with something which is not controversial, which is saccharin. Saccharin was among the first sweetener which came. Then came उससे भी ज़्यादा controversial aspartame. ठीक है, जो आज भी बिक रहा है. Saccharin पे there are some worse researches. इसलिए 99% people have or companies are not using saccharin anymore. Cyclamate, saccharin ये सब हट चुका है. aspartame अभी भी चल रहा है. इसके पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है बिकॉज यूएस पेरेंट्स वर इन्वॉल्व्ड द $1 मिलियन बिजनेस, तो इसीलिए इक्वल, शुगर फ्री, ये सारी कंपनीज यूजिंग aspartame. Now you will listen to a lot of people saying कि इसको हम चाय में डाल देंगे तो वो टॉक्सिक बन जाता है and all that. No, it doesn't. That is a very limited amount. That amount of so-called aspartame or whatever the जो बाय प्रोडक्ट है वो बॉडी को हार्म नहीं करता, ठीक है. बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नेचुरल स्वीटनर जो कैलोरी फ्री है, दैट इज स्टीविया. स्टीविया इज अ लीफ, ठीक है. उसको मार्केट में जाओगे तो स्टीविया ड्राई फॉर्म में भी मिलेगा, लीफ को सुखा के खा सकते हो, इट्स मीठी लीफ, ठीक है. या उसका पाउडर बना देते हैं या उसकी ड्रॉप्स भी आती हैं. नन ऑफ यू नीड एनी ऑफ द स्वीटनर्स है, ऐसा कोई जो आप लोग इतना कोई बोलने की जरूरत नहीं है. बट समबडी हु लाइक्स टू, जिसको लगता है मेरी स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज्यादा है, देन दे कैन यूज द ड्रॉप्स और व्हाटएवर फॉर्म यू वांट. स्टीविया इज द सेफेस्ट. काउंटर क्वेश्चन पर, यानी जैसे हम अभी चाय में नॉर्मल चीनी डालते हैं, तो क्या उसको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिप्लेस करना? नो नो नो, ये तब है व्हेन यू आर हैविंग सम बहुत एक्सेस में खा रहे हैं, उसको अपनी शुगर जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल नहीं हो रही, देन दे कैन यूज दिस थिंग. जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत रेयर ही है इनमें से, इवन जो कॉपल साधु साहब सब बैठे हैं, ठीक है, इवन दे विल बी हैविंग टी, लेट्स से कोई 6 कप चाय पीता है, राइट. अब अगर उसमें वो चाहता है मेरे को शुगर डालनी ही डालनी, दैट इज डेंजरस, दैट इज हार्मफुल. तो वो बंदा जो है वो फिर वो कहता है मैं फीकी चाय नहीं पी सकता, मुझे मीठा चाहिए, फिर वो स्टीविया वगैरह यूज कर सकते हैं. बट फॉर मैक्सिमम पीपल हैविंग 1 or 2 cup ऑफ टी और कॉफी, जैसे भी आप लेते हो, ऑफ शुगर, उसको जिंदगी जीना कहते हैं, ठीक है. एंजॉय वो शुगर. वो द फर्स्ट बुक इन इंडिया रिटन ऑन शुगर वाज बाय दिस फॉर सेड्यूस्ड बाय शुगर, ठीक है. एंड आई जस्ट मेड अ वीडियो ऑन शुगर. ये शुगर एडिक्शन जो वर्ड है ना, डू यू नो वर्ड शुगर एडिक्शन? सुनने को मिलता है ना यूट्यूब में बड़ा. इट्स अ फॉल्स वर्ड, ये सेल्फ क्रिएटेड वर्ड है जस्ट टू सेल बुक्स. ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड शुगर एडिक्शन. ऑलराइट, देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु लव टू ईट मोर शुगर. आप में से भी होंगे ना, सबको मीठा पसंद है, और कहीं ऐसे बिल्कुल मीठा नहीं पसंद, वो सिर्फ पसंद है बिकॉज इंसान है, एडिक्ट नहीं है. ओके, कभी एडिक्शन इज ओनली फ्रॉम स्टिमुलेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैरिजुआना, गांजा, हशीश, चरस, LSD, whatever stimulants are there. So I wrote a book on marijuana recently. I made 4 video series on marijuana because there's a confusion on whether marijuana should be legalized in India or not, because काफी countries में हो गई है, वहाँ पे भी reverse हो रही है by the way, ठीक है. India में होनी चाहिए कि नहीं, so there was this confusion. Marijuana is addictive, right? No doubt it is addictive. लेकिन sugar, ऐसा कभी देखा किसी को यहाँ पे कोई बंदा पड़ा हुआ ऐसे मैंने बहुत चीनी खा ली, या किसी को जो है अल्कोहल रिहैब देखा कैसे होता है कि व्हेन यू गो टू रिहैब सेंटर उसे बांधा होता है, यानी शाउटिंग, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. कभी देखा कि लड्डू खा के बांधा हुआ है कि मैंने बहुत लड्डू खाए. दिस इज नथिंग कॉल्ड शुगर एडिक्शन. इफ यू ईट मोर शुगर, कंट्रोल इट कर पाओगे, पर फॉर सम रीजन हजारों में एक को नहीं हो रही, देन द स्टीविया थिंग कम्स इन, यू रिप्लेस द कैलोरीज. आया समझ? सो इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी. 24 घंटे के एंड में सिर्फ ये 2 वर्ड मैटर करते हैं. नो टाइमिंग मैटर्स, नो टाइमिंग मैटर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं रात को जागने के लिए क्या करता हूँ आपके हिसाब से? एंड आई लाइक माय, आई हैव माय प्रॉपर ब्लैक कॉफी मशीन बिकॉज आई लव फ्रेश कॉफी फ्रॉम सिप, बट आई ऑल्सो हैव माय ओन हनी. आई जस्ट लॉन्च, आई हैव अ कंपनी, इट्स कॉल्ड MangoHives, ठीक है. एंड आई लॉन्च माय 10th प्रोडक्ट विच इज हनी, एंड आई गेट हनी फ्रॉम वेरी हाई हाइट्स, अराउंड 12,000 feet. सो आई पुट लॉट ऑफ हनी एंड आई हैव ब्लैक कॉफी रात को, एंड आई कीप ऑन सिपिंग एंड कीप ऑन वर्किंग. तो उससे मैं मोटा हो जाऊंगा बिकॉज मैं रात को हनी दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स. इट्स पूरे दिन में क्या खा रहे हो, राइट? रात को मैं कुछ ना खाऊं, सुबह जाते मोमोज, स्विच, ठीक है. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. इन्होंने पूछा कि जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं या डिफरेंट विटामिन के सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या वो हमें लेने चाहिए, या लेने चाहिए तो कैसे लेने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें आंसर इज येस एंड नो. Now, lot of doctors recommend you a multivitamin supplement, ठीक है. मैक्सिमम इसका recommend करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपको खाने से nutrition is supplement again, just like whey protein. तो supplement का word के मतलब क्या है? Additional to diet. तो multivitamins का मतलब there is a जितने vitamin और minerals हैं वो आपको उस एक tablet है जो भी dose है उसमें उस दिन की जो values हैं. तो इंटरनेशनली कुछ RDA वैल्यूज होते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. अगर आप मल्टीविटामिन के पैक के पीछे देखोगे ना, जैसे लिखा होता है विटामिन A, B, C सब लिखा होता है, उसके आगे कुछ परसेंटेजेस लिखी होगी, दैट इज द RDA वैल्यूज. तो सबसे अच्छा मल्टीविटामिन कौन सा होता है जिसमें जनरली वो सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट 100% हो। कुछ विटामिन मिनरल्स की 100% नहीं होनी चाहिए, उनको हमें इतना एक्सेस नहीं लेना होता। विटामिन ए फॉर एग्जांपल इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड इन मल्टीविटामिन्स, ठीक है, अंटिल समबडी सफरिंग फ्रॉम एन आई इशू और समथिंग, उसका डिफरेंट फॉर्म यूज होता है, लेकिन बहुत हाई में नहीं चाहिए। सेलेनियम या आयरन वुमेन को चाहिए, मेन को आयरन उसमें नहीं, इसलिए जो मेन वुमेन मल्टीविटामिन आते हैं ना, एक मेन मल्टीविटामिन है वुमेन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ आयरन का डिफरेंस होता है। बिकॉज वुमेन व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग यू बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस यू नीड आयरन, दैट्स इट, ठीक है। लेने चाहिए हाँ या ना, इसका आंसर इज इन मोस्ट फॉर यू पीपल यस, बिकॉज फॉर यू पीपल जस्ट हैविंग वन मल्टीविटामिन नॉर्मल वन विल मेक श्योर कि पूरे दिन की जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो बॉडी में आ रहे हैं। उनको रोज नहीं लेके तुम छोड़ के भी ले लेते हैं तो हमारे को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। इंडिविजुअल विटामिन मिनरल्स नो, विटामिन मिनरल्स स्पेशली विटामिन जैसे देखें तो वो दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एक फैट सोल्यूबल। सो विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल, जितना मर्जी खा लो कुछ नहीं होगा, निकल जाएगा यूरिन से, उसके लॉन्ग रन में कोई इफेक्ट नहीं। फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के इवन लॉट ऑफ मिनरल्स ये सारे बॉडी में स्टोर होंगे और लॉन्ग रन में दे आर डेंजरस, इवन लीड टू मल्टीपल कैंसर्स लॉन्ग रन में। ऐसे शॉर्ट में ऐसे 10 साल में कुछ नहीं, लेकिन somebody taking huge amount पता नहीं कब तक then they problem में आकर, ओके। सो इंडिविजुअल जो स्पेशली फीमेल्स बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को ये स्टूपिड एडवाइस एक लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी, ओके। हेयर एंड नेल सप्लीमेंट, विटामिन ई फॉर स्किन, नो यू डोंट नीड इट, कोई भी यहाँ पे ऐश्वर्या नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई शाहरुख खान बन जाएगा या ऋतिक रोशन बन जाएगा, ना कोई फेयरनेस क्रीम काम करती है, ना ये सुपर सप्लीमेंट्स ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ये सारे सप्लीमेंट जो आपको बोले जाते हैं ये सिर्फ किससे खेलते हैं, इमोशंस। इमोशंस क्या है इंडियंस के, कितने लोगों की हाइट छोटी है, किसके कंपैरिजन में छोटी है, किससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड, डिफेंस फोर्स स्टैंडर्ड इज ओनली फॉर अ टेस्ट, वो तो दैट इज अ एग्जाम राइट। नाउ फॉर एग्जांपल एनीबडी 6'5" 6'6" हाइट जो है ना वो भूल जाओ, पायलट नहीं बन सकते, ठीक है। तो क्या करेगा बेचारा, ट्रांसपोर्ट पे शायद बैठ जाए, फाइटर में तो गया वो, तो उसकी ड्रीम खत्म। नो, इट्स दीस आर स्टैंडर्ड्स व्हिच आर सेट अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो जितने लोग ये सोच रहे हैं ना हाइट छोटी है, ये क्यों सोच रहे हैं, इनकी हाइट छोटी नहीं है, ये इमोशन से बम्बार्ड करा जाता है। रात को 10 बजे ऐड आते हैं ना, हाइट ग्रोथ पाउडर, ये these are all rubbish things. Acha, one more thing. I made an 11 video series on height. I've challenged every doctor, every person in the country. If you prove me wrong, I'll remove the entire series. I've written an entire book on that, on height. क्या-क्या चीजों से height बढ़ती है? बताओ. लटकने से. तो फांसी लगा देता तुम्हारे को. लटकते रहो. 7 फीट के हो जाओगे 3 दिन में. हाँ. Good. या सर वेट ट्रेनिंग से भी हाइट रुक जाती है ना कुछ नहीं, ओके। बताओ और क्या क्या होता है, हाइट किससे बढ़ेगी या किससे रुक जाएगी। चलो एक और बता देता, ओ अच्छा, यू आर व्हाट प्लेयर, हाउ मेनी आर टॉलर देन यू हियर। सो भागते भागते कितने लंबे हो गए मिल्का सिंह थे, ये पिक्चर थोड़ी अमिताभ बच्चन भाग रहा और इतना बड़ा हो गया, ओके। व्हाट एल्स, हां किससे रुकती है किससे बढ़ती है, सर जिमिंग, सर हार्मोन, सर थायराइड कैंसर कंट्रोल करते, सर हाइपर, बट दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, नो थायराइड डजंट कंट्रोल योर हाइट, इट्स योर ग्रोथ हार्मोन, मतलब या हार्मोन्स प्ले अ रोल, यस। मैं जिमनास्ट था, अच्छा यू आर अ जिमनास्ट, ऐसा हाइट छोटी रह गई, नो नो, क्या मतलब बढ़ती है, अच्छा काम हो जाती है, ये तो बढ़ा रही है, ओके। व्हाट एल्स, देखो सो यू हैव ऑलरेडी गिवन सो मेनी इवेंट्स, सो वन वाज जिमनास्टिक्स, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, वेरी गुड, ओके। खेलो बेटा, रोज खेलो बास्केटबॉल, देखो खेलो, और हाँ योगा करने से। बाबा रामदेव की हाइट कितनी है, नहीं, लेट्स सी, लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल, देखो I'll give you something with logic and science so that you can counter somebody. Counter करोगे ना तो logic के साथ करते हो। Okay, let's yoga से लेते हैं। बहुत common है। सारे बाबा बने हुए हैं आजकल। Everybody is there, height बढ़ाने का आसन। खुद की height 5'5" नहीं है, लेकिन दूसरों की height बढ़ाने का आसन। कोई बात नहीं। बाबा रामदेव की हाइट जनरली कितनी होगी आपके हिसाब से? Baba Ramdev is a good. Sure? I think he's around 5'10", 5'11". He has good height. चलो 5'7", 5'8". वो ठीक है हाइट, छोटी है, बड़ी है, एवरेज है. ओके, तो वो बहुत योगा करते थे, ना. ओके, तो बाल किशन जी को क्या हो गया था? उन्होंने योगा बंद कर दी थी, या कोई आसन कम कर लिया, या कोई जड़ी बूटी नहीं मिली उन्हें हाइट बनाने की? तो वो तो जड़ी बूटियां भी हाइट की बेचते हैं. Now let me give you one statement. Try and counter this statement with any doctor in the country. There is nothing in the world which can increase or decrease your height. दुनिया में ना कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी height कम होगी ना बढ़ेगी. The only thing which can affect your height is 80-20 general जो ratio होता है. 80% is your genes. Okay? It's totally genetic. 20% is considered diet. But diet का मतलब क्या हुआ? Not what you people are eating. डाइट जब हम 20% लेते हैं वो होते हैं पीपल और वेरी पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन. उनकी हाइट ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है. सड़क पर भिखारी देखे हैं, लंबे और छोटे दोनों होते हैं ना. किसको न्यूट्रिशन साइंस पता है उनमें से? कोई प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही. तो फिर जब उस लेवल पे भी इफेक्ट नहीं कर रहा तो डाइट इफेक्ट जो होती है, टू रीड प्रॉपर रिसर्च, उसमें क्लियरली बताया गया दैट डाइट 20% इज स्टारवेशन. बहुत पुअर अफ्रीकन कंट्रीज या हमारे यहाँ कहीं पे अकाल पड़ा हुआ है, उस टाइप का एक्सट्रीम. अदरवाइज डाइट भी बहुत मेजर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी. नो स्पोर्ट कैन इंक्रीज योर हाइट. बास्केटबॉल डज नॉट इंक्रीज योर हाइट. जिनकी हाइट लंबी होती है उन्हें बास्केटबॉल के लिए चूज करा जाता है. स्टेटमेंट समझ में आई? जिम्नास्टिक्स विल नॉट शॉर्टन योर हाइट. देयर इज वन स्टडी इन व्हिच इट वाज शोन दैट यस, सर्टेन गर्ल्स डूइंग जिम्नास्टिक्स एट अर्ली एज मे हैव अ शॉर्टन हाइट, लेकिन वो सब में हाइट कुछ टाइम के बाद अपने आप ग्रो होगी. When they stop gymnastics, it started growing. You will not have a height problem, ठीक है? Because of gymnastics. Yeah. और क्या क्या था? और रनिंग से कैसे हाइट छोटी बड़ी होगी पता नहीं. वेट ट्रेनिंग हो गई. नो, हाँ, तो शुरू में क्या बोला था मैंने? वन ऑफ द रीजंस इंडिया में स्पोर्ट्समैन परफॉर्म नहीं करते. क्यों? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग नहीं कराते बच्चों को. What is the right age of started weight training? Start करने के लिए क्या है? बोलो बोलो बोलो. अभी आएंगे बड़े मजेदार आंसर आएंगे. हाँ हाँ बोलो बोलो. What was that? Okay, I'll take this answer. अपने पास रखो. और बताओ, weight training start करने की सही उम्र क्या है? 18, 16. Do you know there is an what is the young age जो ओलंपिक्स में खेल रहे हैं? क्या क्या एज के लोग खेल रहे हैं? 13-14 ईयर्स के बच्चे है ना. और हमारे यहाँ 20 साल के अंकल आ गए थे, सर मेरे बच्चे की हाइट तो नहीं रुक जाएगी? ठीक है. सो देयर इज द राइट एज ऑफ स्टार्टिंग वेट ट्रेनिंग इज एज अर्ली एज 5 to 6 years ऑफ एज. और वहां पे मेंटल मेच्योरिटी देखी जाती है, फिजिकली कोई टेंशन नहीं. गो एंड चेक एनी वीडियो ऑफ रशियंस, अमेरिकन्स, चाइनीज. They're all doing proper weightlifting movements at 7 to 8 years of age. आज से 4-5 साल पहले weightlifting movements कौन सी होती है? Clean and jerk and snatch. इनको मना करा जाता था, लेकिन कुछ टाइम में वो भी मिथ खत्म हो गई है. If there's a good coach, even a 6 or 7 year old kid should be taught weightlifting movements. Your weight training will never stop your height. कोई लिंक ही नहीं है. In fact, उल्टा है. If you do proper strength training, then you will grow out to be much more balanced in your fitness and your muscles. समझ में आया? Yes sir. Anybody having doubt? रिश्तेदारों से या डॉक्टरों से? Tell me, just tell my name. ठीक है? Okay. Height वाला concept clear? Good. हाँ, there was one more question किसी का. Okay, हाँ, yeah. हाँ, पानी. हाँ. Okay. पहले तो मैं ये ना, एक तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. देखो, एक होता है जैसा भी बताया न्यूट्रिशन डाइटेशन, ऐसी एक होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर. किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पढ़ी है? उस पर यह पढ़ना कि हाउ टू बिकम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. इट इज एज टफ एंड इवन मोर टफ इन सम केसेस देन एलोपैथिक डॉक्टर. इट्स रिक्वायर्स 5 years ऑफ BMS, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद तुम्हें अगर स्पेशलिटी करनी है तो 22 subjects में से एक चूज होता है. एंड देन यू डू योर स्पेशलाइजेशन, देन PhD. कितने साल लगे? ऑलमोस्ट 14 साल 15 साल टू बिकम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. इसलिए ये जो YouTube पे चल रहा है बाबा रामदेव पार्टी, ये सब यहीं से क्यों आ रहा है? बिकॉज अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट, सेल्फ मेड स्टेटमेंट्स टू सेल प्रोडक्ट्स. ओके, खड़े होके पानी पीना. ना तो ये किसी आयुर्वेदिक बुक में लिखा है, ना किसी शास्त्र में लिखा है. उसने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि पानी पीते हो या खाना खाते हो आराम से बैठ के, अतः आराम से मतलब उसमें लिखा हुआ कि डोंट रन इन, क्योंकि यू मे हैव प्रॉब्लम इन, जैसे आपकी A5 में चला जाएगा, ठीक है, फांसी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। और ओवर द सेंचुरी उसने कहाँ मैनिपुलेट कर दिया, आराम 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 आराम, बैठ जाओ, बैठ के पीना जी पानी। किसने बोला बैठ के पीना? बेसिक बायोलॉजी सबने पढ़ी ना 10th क्लास में। कौन सी पाइप है तुम्हारे अंदर? स्टेटमेंट सुनो, देखो कैसी चीजें आती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन। आई मेड अ वीडियो ऑन दिस, लुक एट द कमेंट्स पीपल आर डूइंग। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता आयुर्वेद के बारे में। मैंने कहा भाई बेसिक बात, भाई दिमाग है वो कहाँ है, यही है ना, यहाँ है, आया समझ? तो जब वेन यू गिव सच स्टेटमेंट्स, क्यों? क्योंकि कहीं सुना है और लोगों ने इतना कन्विंस कर दिया कि बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते। अगर किसी ने बोल दिया घुटनों में चला जाएगा तो क्वेश्चन तो करो कहाँ से घुटने खराब हो जाएंगे। पेरेंट्स पानी पीने से खड़े होकर घुटने कैसे खराब हो जाएंगे? कॉमन सेंस यार, पानी जा रहा है, देयर इज अ प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द बॉडी, पानी अपने आप एब्जॉर्ब होगा, उसका अपना मैकेनिज्म। हाउ विल इट गो टू योर नी? कौन सी पाइप जा रही है वहां? सुना है कभी? सोच के देखो। डॉक्टर्स ना ऐसे होते हैं कि यार ये कहाँ से आते हैं, और वो सुनते भी नहीं है, आया समझ? सो ये जो सारी मिथ्स है ना, खाना सेम खाना, इट्स नॉट स्टैंडिंग, आइडियली नोबडी ईट्स स्टैंडिंग बिकॉज़ वी हैव टू, यू नो, इतना सारा खाना कैसे खाओ? सो ये आराम से बैठ के हम खाना खाते हैं, इट्स ओनली आराम से, यू शुड नॉट बी इन अ हरी, बस यही है। बैठ के खड़े होके कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग शादियों में खाते खाते घुटने खराब हो गए? नहीं हुए? सर एक बहुत कॉमन जो बॉयज जनरली फेस करते हैं कि अगर हम जिमिंग शुरू करते हैं एंड बॉडी ग्रोथ हो रही है एंड जस्ट इन केस अगर हमारे लैट्स बाहर आ रहे हैं तो वो मेडिकल आउट हो जाएंगे एसएसबी के टाइम पे। मेडिकल आउट नहीं होंगे, उनको परेड में प्रॉब्लम आएगी। आई हैड प्रॉब्लम, सो आई वाज वेट ट्रेनिंग तो बहुत टाइम से कर रहा था, मेरे लैट्स वर थोड़े से बिगर, सो एंटी में परेड इज नॉट जो तुम्हारी परेड हो रही है, दैट्स वेरी टफ परेड, सबको पता है। वो परेड अलग, मैं देख रहा हूं तुम यहां पे जो कर रहे हो ना, ये मस्ती कर रहे हो। तो नाउ दैट परेड में उसमें क्या होता है कि एंड आई वाज फ्रॉम अ स्क्वाड्रन व्हिच इज चार्ली स्क्वाड्रन। अगर किसी को एनडीए में जाके ये पूछना कि व्हाट इज चार्ली स्क्वाड्रन फेमस फॉर, देयर इज ओनली वन स्क्वाड्रन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एनडीए जिसकी एक ही चीज फेमस है। तो आपकी सबका ट्रेडिशन चेंजेस। एनडीए चार्ली स्क्वाड्रन इज ड्रिल, प्योर ड्रिल, ठीक है। एंड आई वाज द फ्रंट लाइनर, तो मैं और दो तीन थे जो ड्रिल में, वी वर वेरी गुड इन ड्रिल एंड वी वर एक्चुअली सेंट इन अदर स्क्वाड्रन्स टू गिव डेमो। जो हमारे साथ थे ना, तो उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, बिकॉज ऑफ बिग लैक आई यूज्ड टू स्विंग बैक, तो यहाँ पे ब्रूसेस जाते थे बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ बिगर थाइज यहाँ पे ब्रूसेस जाते थे, बस यही होता है। आफ्टर रिजेक्शन कुछ नहीं होता, डोंट वरी। गुड आफ्टरनून सर। सर आई हैव अ डाउट सर, एक्चुअली व्हेन आई स्विच फ्रॉम जिम टू कैलिस्थेनिक्स सर, आई फेस्ड अ मसल लॉस सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? व्हेन यू डू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, then your aim is not building muscles, then your aim is to get good in that sport. Lot of people come to me who मुझे कहते हैं सर मुझे ना ये स्पोर्ट भी करना है, जैसे MMA फाइटर्स आते हैं मेरे पास, सर मुझे MMA भी करना, मुझे मसल मास भी चाहिए। नहीं हो सकता। Why? Because your maximum energy is being focused on a technique, a sport, ठीक है। If you want to build bigger muscles, then you have to focus more on weight training and reduce other activities, क्योंकि वो भी एक पर्पस है। बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, मैं नॉर्मल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, फाइम अ बॉडी बिल्डर, एंड जब मैं कम्पीट कर रहा था तो आई हैड टू रिड्यूस मल्टीपल एक्टिविटीज। उस टाइम फिर मैं अपनी मर्जी से रनिंग पे नहीं जा सकता था बिकॉज आई वॉज अ हैवी वेट कैटेगरी, 100 kg का। अब उसमें अगर मैं मसल लॉस कर लूंगा, स्टेज पे आई नॉट लुक गुड, आई नॉट कम इन माई कैटेगरी, अंडरस्टैंड? तो इट इज स्पेसिफिक ट्रेनिंग विच यू आर डूइंग, इसीलिए वो हो रहा है। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड मसल्स अगेन, मतलब मसल मास, यू हैव टू रिड्यूस योर कैलिस्थेनिक्स, फोकस ऑन मोर ऑन प्रॉपर मसल बिल्डिंग। तो जब हम जिम स्टार्ट करते हैं पहले दिन तो पहले वेट गेन मतलब स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है। नॉट नेसेसरी। जैसे गर्ल्स चाहती है वेट लूज करने तो बॉडी वाइड हो जाती है, बट वेट लूज नहीं होता। ना किसी की वेट लूज। इसके बाद वेलकम। ओके, सो पहली चीज तो ये गर्ल्स, कितनी गर्ल्स को लगता है वेट ट्रेनिंग से वाइड हो जाओगे या किसी की शादी नहीं होगी? हाँ होता है, दिस इज पेरेंट्स हु कम टू मी, ठीक है। देयर आर गर्ल्स हु इन माय जिम हु वांट टू बी पावर लिफ्टर्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी गर्ल्स, वेरी स्मार्ट एंड फिट गर्ल्स, दे वांट टू बी पावर लिफ्टर। वो पेरेंट ने धरना ही दे दिया था जिम के बाहर कि मेरी बच्ची पावर लिफ्टिंग नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि शादी नहीं होगी ना। दैट्स ऑल रबिश। कितनी लड़कियों को लगता है कि दे शुड नॉट डू वेट ट्रेनिंग एंड दिस वेट लिफ्टिंग, वो सिर्फ लड़कों ने करना चाहिए। बी फ्रैंक, इसलिए जिम नहीं जाती। कितनी लड़कियों को लगता है कि ये वेट ट्रेनिंग ना बॉडी बिल्डिंग डोले शोले बनाना ये लड़कियों का काम नहीं है। देखो इफ यू टेल मी तो आई टेल यू व्हाई दिस मिथ कम्स, ये मिथ क्यों है और इंडिया में मिथ क्यों है। ओके हाउ मेनी गर्ल्स, लड़कों की तो छोड़ो, लड़कियां, हाउ मेनी ऑफ यू बीन आउटसाइड इंडिया? वेरी गुड, व्हिच कंट्रीज? सिंगापुर, यूएस, ग्रेट, स्पेन, ग्रेट, okay, great, US, all right, Germany, great. I'm going to Germany after 2 months. All right, so now if you go to all these countries, have you seen the girls there? लड़कियों को प्यार हो जाता है, इतनी स्मार्ट लड़कियां। And what are they doing? Genetics, of course. क्या है उनमें difference? Training, strength training. Look at the way they are lifting weights. I had so many girls under me who were doctors, who were and they're lifting great weights. And देखो सबसे बड़ा डर लड़कियों में क्या होता है वेट ट्रेनिंग का? मसल बिल्ड हो जाएगा, नहीं हो सकता। Why? हैं but yeah. So let's say this guy lifts 100 kgs. What's your name? Akash Pandey lifts 100 kgs and what's your name? And I know you are already lifting, so what's your name? Disha, and Disha is also lifting 100 kgs. Now he will build muscle mass. She will not build muscle mass. Why? Because muscles के लिए जो hormone चाहिए उसका size बढ़ाने के लिए that is testosterone, which is a male hormone. जो males हैं इनमें testosterone और estrogen दोनों होते हैं, आप में भी testosterone और estrogen दोनों होते हैं, लेकिन जिस तरह इनमें estrogen का level बहुत कम होता है आप लोगों में testosterone का level बहुत कम होता है, almost 20 times कम। तो puberty के बाद when the puberty sets in, females have a surge in estrogen levels. You know that is why female bodybuilders को अगर muscle build करनी है तो उन्हें male hormones inject करने पड़ते हैं, इसलिए they start, उनके facial hair शुरू हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है and sometimes ये बहुत dangerous होता है because ये reversible नहीं होते changes, ठीक है। So females cannot build muscles. हाँ, दोनों का fat loss होगा, दोनों की strength gain होगी. There is no difference in terms of strength. You have to push heavy, चाहे वो male हो चाहे female। ये एक्सरसाइज का बेसिक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन द जिम यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। नॉट इट्स लाइक सेइंग कि पढ़ाई करते हो ना और 10th की पढ़ाई करते रहोगे तो 12th में थोड़ी 90% आ जाएंगे कि बहुत पढ़ाई करी है मैंने, नहीं कुछ नहीं। तो यू हैव टू प्रोग्रेस, राइट? सबसे पहले लाइन किससे स्टार्ट करी थी? नहीं बोलते हैं, कौन बोलते हैं? No, it doesn't happen. So it means most of the sportsmen and females in India, they are all having infertility issues. Do you know most of the females suffering from PCOD and PCOS, जो आजकल बहुत common है? The first and the best advice to them is go lift weights. You need to work out. You need to exercise. Understand? So no, there is absolutely no truth. तो बेचारी मेरे कहते मैरी कहूँगा तो बच्चा नहीं हो सकता फिर? No, it's not that. ठीक है? Yeah. What else? सर जैसे हम लोग पहले नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, नेचुरल डाइट ले रहे हैं अभी, उसके बाद हम प्रोटीन इंटेक स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमको आर्टिफिशियली प्रोटीन मिलता है, मतलब वे प्रोटीन है तो ठीक है डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट इंटेक मिल रहा है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना वर्क नहीं कर रहा उसके अंदर। ओके उसके बाद जब हम लोग प्रोटीन छोड़ के, मान लो पैसे खत्म हो गया, प्रोटीन छोड़ दिया, फिर हमने नेचुरल डाइट लेनी स्टार्ट करी, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा? ओके सर, प्रोटीन हैज नो इफेक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म, पहली चीज। सो द क्वेश्चन बिकम्स इनवैलिड। प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स विल नॉट अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म, इट इज बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स। ये देखो न्यूट्रिशन पढ़ोगे ना तो बेसिक क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या है? ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उनमें 3 होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। माइक्रोज यानी हमें छोटे अमाउंट में चाहिए, यानी विटामिन, मिनरल्स और बाकी फाइटो या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सिंपल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटीन, वो आपके मेटाबॉलिज्म को कोई इफेक्ट नहीं करता, इट इज अ नीड फॉर द बॉडी, जो न्यूट्रिशनल नीड है। अगर वो खाने से पूरी नहीं हो रही तो हम सप्लीमेंट लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, आपकी बॉडी ब्लाइंड है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन खाने से ले रहे हो या सप्लीमेंट से ले रहे हो। कोई भी प्रोटीन बॉडी में जाके अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा और उसे बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में है, वो चिकन के फॉर्म में है, वो दालों से आ रहा है, डजंट मैटर। There is something called amino acid. I'm all deep जा रहा हूँ, understand this. So there is something called amino acid pool in the body. So पहले जो concept होते थे ना आज से 3-4 साल पहले ही ये concept है कि नहीं यार प्रोटीन इस तरह का खाना चाहिए उस तरह का, वो भी खत्म हो गया. इसलिए वेजिटेरियंस वाला जो क्वेश्चन शुरू में आया था दैट इज ऑल डन विद बाय बिकॉज बॉडी में अमीनो एसिड पूल होता है विच इज प्राइमरीली इन योर लिवर एंड योर ब्लड. ठीक है, उसमें अमीनो एसिड पूरे दिन में बॉडी भरती रहती है, उस पूल को फुल रखती है. इसलिए पूरे दिन में कितना प्रोटीन जा रहा है वो मैटर करता है, सोर्स जनरली मैटर नहीं करता. ठीक है, दिस इज सो डजंट मैटर इफ यू लीव इट. और वो पैसे खत्म होना इज अ कॉमन थिंग बिकॉज द प्रोटीन डब्बा विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 3000 रुपीज. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू लीव इट जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर खाने से आ रहा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर हियर बाय बिकॉज वन ऑफ द कॉमन थिंग्स विटामिन डी डेफिशिएंसी व्हिच लॉट ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग, इवन मेन सफर कर रहे हैं आप. ठीक है, बट सेकेंड थिंग इज अ डायग्नोसिस, क्योंकि वो देर इज समथिंग विच वी कॉल इडियोपैथिक रीजन. इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन रीजंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ फीमेल्स हैव मसल क्रैम्प्स, रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं. डू यू नो टिल डेट आई रोट एन एंटायर बुक ऑन क्रैम्प्स, मेड अ वीडियो. मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्रैम्प्स का रीजन क्या है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करते हैं ना, दैट इज नॉट अ प्रूवन रीजन फॉर क्रैम्प्स. पीपल प्रॉपर जो इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं उनको भी क्रैम्प्स आते हैं. सो क्रैम्प्स जो रात को नाइट क्रैम्प्स या नॉक्टर्नल क्रैम्प्स कहते हैं इनको, उसका कोई रीजन नहीं है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस फीमेल को ये क्यों हो रहा है. शी कैन ओनली डू जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, या बेसिक मसाज हो गई या हीट थेरेपी वगैरह हो गई. बाकी टिल द टाइम डायग्नोसिस इज डन कि वो क्यों हो रहा है, नोबडी नोज. दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक्चुअली. या योर मॉम इज हैविंग दैट, टेल हर टू मेक श्योर दैट शी डज सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, लेट द ब्लड सर्कुलेशन गो. या शी हैज टू, बिकॉज फीमेल्स पोस्ट 40 जनरली इंडिया में ना दे बिकम वेरी लेजी, लेथार्जिक हो जाती है. And then problems keep on piling up. Yeah. Jain sir. Yeah. I am Cadet Yogesh. So my question is that some people say that you should run on a sand or soft track, otherwise your knees will get damaged. Something called grease. Grease will be grease खत्म हो जाएगी पैर में ऐसा कहते हैं. और कोई grease नहीं है हमारे घुटने में. Yes sir. नहीं सच. Okay, इसमें आंसर थोड़ा सा मुश्किल है देना. लॉट ऑफ पुअर एथलीट्स है. 100 मीटर वाले कौन है? हाँ, तुम लोगों ने जब ट्रैक पे दौड़ना शुरू किया था किस किस को शिन पेन हुआ था? सबको शिन पेन होता है ना मैक्सिमम जो रनिंग शुरू करेंगे. सो दैट्स नथिंग गो, योर बॉडी इज जस्ट अडैप्टिंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस. द रीजन वी टेल पीपल नॉट टू रन ऑन द ग्राउंड, सॉरी, ऑन द हार्ड रोड इज बिकॉज फर्स्टली you need to understand that the human body was not made to run itne hard surfaces. Surface से एक reflex आता है, ठीक है. रोड से भी थोड़ा सा reflex आता है, कंक्रीट से बिल्कुल reflex नहीं आता, right? अब अगर आप लोग running कर रहे हैं then you can shift from ground running या track running to road running, problems नहीं आएंगी. लेकिन you should not start with running on the road because your muscles and bones are not that strong. फिर stress fractures होते हैं. तो क्या होता है, आप लोगों ने रनिंग शुरू करी, shin pain हुआ, फिर उल्टा सीधा दौड़ोगे लंगड़ा लंगड़ा के, ठीक है. एंड देन द स्ट्रेस फ्रैक्चर का. सो इट्स नॉट आइडियली द ग्राउंड उसका प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज के बिगिनर्स को स्टार्ट ग्राउंड रनिंग से, सॉरी, रोड रनिंग से नहीं करना चाहिए. यू शुड डू नॉर्मल ग्राउंड रनिंग, ट्रैक, देन मूव ऑन टू रोड्स, नॉट स्टार्ट फ्रॉम रोड. इसलिए मैराथन रनर्स वगैरह भी जो है ना, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम रोड. वो पहले ग्राउंड में रन करते हैं, इंड्योरेंस बिल्ड करते हैं. अगर वो रोड से स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ देम देन सफर, वो किसी भी एज में होता है, ठीक है. All questions clear? Girls, all done? हाँ हाँ. No. Okay, ये एक और मिथ है, सुनो ध्यान से. पहली चीज ये बाबा रामदेव वाली मिथ है, ठीक है. अगर चीजों को लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सेप्ट करोगे तो आपकी बॉडी में खाने और पानी के लिए अलग डाइजेशन मैकेनिज्म्स. आप मुझे पहले ये बताओ कि आप पानी को किस तरह से लेते हो? साथ में लस्सी पी सकते हैं, वो लिक्विड है. सूप का पीते हैं, वो लिक्विड है. दाल में कितना पानी है, हाउ विल यू वैल्यूएट, ठीक है. आपके सैलड्स में कितना पानी है, हाउ विल यू वैल्यूएट. इसीलिए इट इज नॉट अबाउट पानी पीना. ये भी अगेन मिथ है कि पानी आधे घंटे, मतलब 1 घंटे में. क्यों 1 घंटे में? ऐसा क्या होगा, सोचो. मेडिकली कोई स्टेटमेंट है या कोई प्रोसेस है? 10th क्लास की बायोलॉजी बता रहा हूँ, एमबीबीएस तक तो पहुंचा ही नहीं हूं. कोई प्रोसेस नहीं है. ये बोला जाता है कि डू नॉट हैव एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर। लॉट ऑफ पीपल गिव लॉजिक के हिसाब से स्टमक एसिड डाइल्यूट हो जाते हैं, नहीं होते। पानी पीने से स्टमक एसिड डाइल्यूट नहीं होता है, देयर इज नो सच प्रोसेस इन द बॉडी। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि खाने के बाद एकदम बहुत सारा मत पियो, बट ऐसा नहीं है प्यास से मर रहे हैं और दूर मम्मी ग्लास नहीं मम्मी दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोंट हैव एक्सेस वाटर, उसका भी आइडियली कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो, बट इफ यू फील दैट वे डोंट हैव एक्सेस वाटर। Okay, so I wrote a book which is my bestseller book. It's called Born to Move. That's around 230 pages ki book, and I gave a lot of research on astronauts वगैरह. And I gave a statement. ये statement याद रखना, human body बैठकर कम खाने के लिए नहीं बनी है, ठीक है, जो dietitians कर रहे हैं आजकल. Human body is not made to sit and eat less. It is made to move more, ज़्यादा move करने के लिए और adequate खाने के लिए, नहीं तो deficiency होगी. और अब उल्टा हो रहा है. अब इसका मैं एग्जांपल आप लोगों की लैंग्वेज में देता हूँ. 12th क्लास में एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 40-50, कितनों के 90% आते हैं, 95%। आपको फ्री मार्क्स मिल रहे हैं आपको, तो 95% किसके आते हैं, 5%, 10% बच्चे। बाकियों को क्या हो जाता है? और जब बाकियों से पूछो नंबर क्यों नहीं आया, तो मैं बताता हूँ क्या क्या रीजन होते हैं. देखो, पहला, यार मुझे समझ नहीं आता, ये स्कूल ही खराब है, ये टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, वो कहीं तो सीधा ही नहीं चले जाते हैं। अच्छा, कईयों के पास टाइम नहीं होता है ना, कहीं अपने पे नहीं, वो पैदा इंटेलिजेंट हुआ है ना, ये जो एग्जामिनर है मेरे से बदले निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, बहुत रीजन होते हैं, बट हमें सबको पता एक रीजन ही है, वो क्या है, पढ़ाई नहीं करी हमने, इसका नंबर नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? सेम इज विद योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. Okay, if you want to develop a good physique, you want to lose fat, you have to work for it. बैठकर कम खाने का मतलब पता है क्या है, कि 12th में सारी कुंजी और गाइड खरीद लेना और ये सोचना कि 95% आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम पीपल अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज उसमें पेन होता है। लाइफ में कोई भी चीज जो वर्थवाइल है ना अचीव करने के, उसमें पेन से निकलना पड़ेगा। जितना पेन अवॉइड करोगे अचीवमेंट नहीं हो सकती। ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ना लागू होता है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे आपका लाइफ में बिजनेस है, आपको जॉब्स हैं, कुछ भी हो, सब में यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। जो इंसान उस पेन से निकल जाएगा, ही विल बी एबल टू अचीव व्हाट ही वांट्स। जो अवॉइड करते रहेंगे वो फिर बहाने बनाते रहेंगे, कम खा लेती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, कोई फैट बर्नर मिल जाए, कोई ये मिल जाए, देयर इज नथिंग अनफॉर्चुनेटली, है, ठीक है। सो दैट व्हिच यू आस्क्ड, दैट इज अ वेरी गुड रिसर्च डन बाय एन इंडियन इन कनाडा, इंडियन डॉक्टर. And he said that if you walk 15 minutes after your meals, ठीक है, अगर 3 मील्स का कितनी वॉक हो गई दिन में, 45 मिनट की, तो ये वॉक हो गई। वॉक का मतलब इज नॉट फास्ट, खाने के बाद फास्ट नहीं, जिसे हम सैर कहते हैं, आराम से स्ट्रॉलिंग। यू विल नेवर हैव अ ब्लड शुगर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दिस इज रिसर्च स्टेटमेंट, राइट? लेकिन अगर इसमें कंसिडर नहीं करते तो भी खाने के बाद चलना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिविटीज यू कैन डू, बोथ फॉर योर फैमिली एंड यू। सर, जैसे कई बार मुझे एक्सेस स्वेटिंग होती है, हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। तो सर, कई लोग कहते हैं कि पानी कम पियो, या पानी कम पियो मतलब सर कि ऐसा मैंने कहीं देखा है कि पानी ज्यादा पीने से स्वेटिंग ज्यादा होती है। बट सर लोग, हां, इट्स नॉट योर फॉल्ट। यू देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इफ यू पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम मेडिकल ना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। कोई नहीं बताएगा, सिर्फ गलतफहमी में घूमते रहोगे। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम है नहीं कि वो तुम्हें एजुकेट करेंगे, उनके पास पेशेंट्स की लाइन होती है। तो प्लीज यूट्यूब, गूगल, इन पे जाके अच्छी मेडिकल उस पर स्टडी करो, तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो वो किसी तो बाबा वाबा मत हो यार। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ हाइपर, यू आर इन पामल और व्हाट पामल? सो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट इज समथिंग कॉल्ड अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस, यानी हाइड्रोसिस एंड स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग की प्रॉब्लम। ये पूरी तरह से जेनेटिक होती है। देयर इज नो रीजन दैट बिकॉज ऑफ विच यू डेवलप। ये मैक्सिमम जेनेटिक प्रॉब्लम है। अलग अलग तरह की स्वेटिंग होती है, कईयों को आर्मपिट्स में होती है, कईयों को ग्रोइन में होती है। सबसे कॉमन इज पाम स्वेटिंग हो जाती है। दिस वाज 2-3 मंथ्स पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया, पाम हाइपरहाइड्रोसिस पे, ठीक है। सो हाइपरहाइड्रोसिस की एज सच कोई क्योर नहीं है। देयर इज नथिंग इन ईट, देयर इज नथिंग इन ड्रिंक, उससे कुछ नहीं होगा। प्लीज हैव मोर वाटर इफ यू आर स्वेटिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू हैव लेस वाटर, यू आर स्वेटिंग एक्सेसिवली, ठीक है, पानी सिक्रीट कर रहा है, बॉडी को पानी चाहिए. देयर आर सर्टेन, अगर बहुत एक्सेसिव हो रहा है तो इसकी सिर्फ प्रॉब्लम है सोशल इशू, क्योंकि व्हेन यू शेक हैंड विद पीपल यू आर ऑल स्वेटिंग राइट, प्लस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है, यू आर स्लिपिंग. बस प्रे करो कि जिस टाइम टेस्ट हो रहा है उस टाइम स्वेटिंग ना हो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते. If you want to get it done, then there is certain go to a skin specialist, good skin specialist. There are certain electrical stimulation जिसके through ये चीज cure होती है. आजकल 3-4 तरीके हैं. Last तरीका होता है वो जनरली लोग ये कहते हैं that is surgery. इसमें glands ही निकाल देते हैं, sweat glands. But that's a last, वो होता है जिसको control ही नहीं हो रहा. Excessive cases होते हैं, ठीक है. So but yours is not that case. Go to a good skin specialist. Show them. It's not a big thing. आजकल बहुत अच्छे electronic और laser उससे these things are treated. ओके, पहला क्वेश्चन बो लेग्स. ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस में ही सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है फॉर रिजेक्शन, दैट इज बो लेग्स, है ना. एक फ्लैट फीट एंड बो लेग्स. फ्लैट फीट वर्ल्ड ओवर डिफरेंट फोर्सेस से खत्म हो चुका है. ओके, फ्लैट फीट इज नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस, अमेरिकन, यूरोपियन, उन्होंने फ्लैट फीट कंसेप्ट हटा दिया. व्हाई? बिकॉज फ्लैट फीट में ओवर द इयर्स दे सॉ देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लैट फीट. देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजिड फ्लैट फीट, ठीक है, बहुत हार्ड. Anybody can किसी ने जूते नहीं पहना था. Okay, let me show you this one. जैसे कि आप feet ऐसे होता है ना, सब कुछ सुनाई दे रहा है. So if your feet is like this, तो feet में जो arc होती है ना, जो feet की arc है ये rigid नहीं होती है, flexible होती है. So when you are, that's why बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा cushioned shoes मत पहनना. लोग जो रीबॉक नाइकी के शूज देते ना, जाके सबसे ज्यादा जेल जिसमें भरा हो ना वो दो मुझे. सबसे ब्लेड्स और स्टाइलिश, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द फीट. ओके, योर फीट, आपके बेस्ट शूज पता है कौन से हैं? चाहे वो लिफ्टिंग के लिए, रनिंग के लिए, रनिंग के लिए नॉर्मल जैसे दीज आर ओके. फर्स्टली थिन सोल्ड शूज, रनिंग के लिए थोड़ा कुशन चलता है. फॉर अदर एक्टिविटीज, जो बचपन में फ्लीट्स नहीं पहनते थे, ग्रीन और व्हाइट, एनडीए में उसे तेल का चंद्रा कहते हैं. सो एनडीए में वो शूज मिलता है, उसका नाम होता है केला चंद्रा. दैट थिंग इज अ कंपनी, यू रिमेंबर दैट. तो दैट वाइट फ्लीट्स व्हिच यू वेयर, दे आर स्टिल द बेस्ट शूज फॉर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज वो आपकी फीट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है. अब कई लोग जो है ना जेनेटिकली पैदा होते हैं जिनकी आर्क बिल्कुल सीधी होती है, आर्क होती नहीं, बिल्कुल सीधा, उसे फ्लैट फीट कहते हैं. अब फ्लैट फीट दो तरह के, एक है रिजिड, ऐसा ही है राइट. अगेन, do you know lot of top 100-meter champions are flat feet? Number one. Second, there is something called flexible flat feet. उन लोगों की generally flat नहीं होती, लेकिन arc जो है वो pressure से flat हो जाता है. दोनों cases में maximum countries ने forces में rejection हटा दी. क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ एक problem आती है, वो आते हैं symptoms. कई लोगों को बचपन से जब flat feet होता है उन्हें कोई symptom नहीं होता, they can do everything. तो ये asymptomatic issues है. और मैक्सिमम लोगों को फ्लैट फीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कई लोगों को बहुत रेयर केसेस में जो है पेन हो सकती है, उनके केस में फिर ऑर्थोटिक्स डालते हैं, उनके केस में रिजेक्शंस कर सकते हैं राइट. लेकिन 90-95% केसेस में जो फ्लैट फीट है उससे किसी चीज का कोई लिंक नहीं देखा गया, इसलिए मैक्सिमम फोर्सेज में फ्लैट फीट कंसेप्ट हट गया. बो लेग्स में प्रॉब्लम यह है कि बो लेग्स को करेक्ट नहीं करा जा सकता. वो आप किसी भी ऑर्थो के पास जाएंगे, इट्स अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी, ठीक है. बहुत छोटा अमाउंट अगर बो लेग्स है शायद एक्सरसाइज से, बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ इट. कोशिश करके, जैसे लोग बोलते हैं ना ये कर लो वो कर लो, करके देख लो. अगर थोड़ा है, अगर ज्यादा कर्व्ड इन है, देयर इज नो सॉल्यूशन. ओनली सॉल्यूशन इज सर्जरी, देयर इज नो सॉल्यूशन. अनलॉकिंग, दैट्स व्हाट नॉक मींस. नहीं, बो लेग्स एग्जैक्टली इज अ मेडिकल इशू व्हाट ही इज सेइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉक नीज ओनली, सो आई एम यूजिंग द वर्ड बो लेग्स बिकॉज़ ही स्टार्टेड विद दैट क्वेश्चन. सो नॉक नीज अगेन इज दिस राइट, कांट बी हेल्प. ये बेटर ट्रूथ है, इसलिए एक्सेप्ट करोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये मत सोचना कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, डजंट मैटर. या इंडिया में नहीं, तो उस टाइम अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ इंडिया में नहीं, थोड़ी सी पीएफ इशू है क्या. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर बहुत माइनर नॉक नीज है तो महीनों सालों तक शायद ठीक हो जाए, बट देन दिस इज नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट. इफ यू गो टू अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वो आपको यही बोलेगा कि इसका कोई इलाज नहीं राइट. और ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉब्लम है, वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं दे रहा है. वो मैंने फिर बताया ना, वो एक टेस्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब अगर यार बास्केटबॉल में बोलेंगे भैया मुझे तो 6.5 फीट के लड़के चाहिए, या 6 फीट की लड़कियां चाहिए, तो सारे दुखियों को थोड़ी बैठे जा रहे हैं, मैं बास्केटबॉलर नहीं बन सकता, जिंदगी खत्म है, थोड़ी होता राइट। गिव मी अ क्लासिक एग्जांपल जिसकी फोर्सेस में सिलेक्शन नहीं हुई एंड ही रोज टू अ ग्रेट लेवल। क्या ये था एपीजे अब्दुल कलाम, रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड मल्टीपल इश्यूज, बिकेम व्हाट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस। सो इफ यू गेट फॉर सम रीजन, इफ यू आर नॉट इन द डिफेंस फोर्सेस, और वो रीजन शुड बी बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड मतलब कि तुम्हारी फिजिकल किसी उसकी वजह से, तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारी कोई किस्मत खराब है या तुम्हारा कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स फॉर यू, ओके, कुछ नहीं है सर। आई हैव दिस कोचमेट ऑफ माइंड, ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल पानी ग्रही, तो वी वर इन इंडिया टुगेदर एंड ही वाज ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, व्हेन ही केम टू इंडिया ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन योगा एंड देयर ही यूज्ड टू टीच योगा टू द एंटायर एकेडमी एंड हां हां ग्रेट। सो उसका तो टच हो जाता था, पता नहीं क्या क्या टच कर लेता था वो, ठीक है। सो ही वाज मैसिवली फ्लेक्सिबल एंड देयर इज नो रिजेक्शन का, उसकी परेड बड़ी अजीब होती थी सर, क्योंकि वो एवरीथिंग यूज्ड टू बी टर्न्ड एंड ही वाज हैविंग हाइपर फ्लेक्सिबल एल्बोज एंड ऑल, बट देयर इज नो रिजेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस नाउ, ओके। इसका आंसर भी बताता हूँ, शुगर वर्सेस गुड़ एंड शहद, ठीक है, ये क्वेश्चन चलते रहते हैं आजकल, तो कई जेम्स बॉन्ड आते हैं, अरे शुगर बंद करो, देखो ये खाओ, फिर तीसरा आएगा ये बंद करो ये करो। अगेन शुगर इज शुगर, इट्स 4 कैलोरीज पर ग्राम। अगर आपको शुगर को गुड़ से या शहद से रिप्लेस करना है, डेफिनेटली कर सकते हो, इट इज अ बेटर ऑप्शन। बाय क्यों बेटर ऑप्शन है एनीबॉडी? नेचुरल तो हमारे यहाँ सब कुछ ही होता है, natural word but a dangerous, don't use natural words, use reasons, yeah. Sugar purified form no, aapki body ke andar sugar jayegi, again just like protein it will break into glucose. kitna bhi complex carbohydrate khao, kitna bhi simple carbohydrate khao, sab body mein jaake glucose mein break down hoga. no, refining doesn't make much of a difference sugar mein, yeah no, you are having itna da sugar in it, that color will not make a difference. जैसे मुझे लोग पूछते हैं इसमें कि यार सर मैंने ना मम्मी घी बड़ा डालती है दाल में, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ बेटा घर में दाल एक कुकर में बनती है, पूरा कुकर थोड़ी खाता थी, एक कटोरी तो खाया था, तेरी बॉडी में कितना घी गया। सो सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट शुगर, यू आर राइट इन दैट पर्सन नेचुरल वाला थिंग। जब हम शुगर को, शुगर इज अ रिफाइंड फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल शुगर जो आती है, गुड़ वगैरह होता है, उसमें से मिनरल्स और बाकी न्यूट्रिशन है वो हट जाता है, ठीक है, तो हम रिफाइंड शुगर लेते हैं। सेम शहद में है राइट, लेकिन फिर भी चाहे आप गुड़ तो रिप्लेस कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी छोड़ के आधा किलो गुड़ खा गए, ये चीज नहीं समझते लोग। फिर प्रॉब्लम आती है कि यार गुड़ तो मैं खा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स जा रहे हैं, विच इज फाइन। अगर आपको लगता है कि दैट इज अ बेटर स्वीटनर, गो फॉर इट, लेकिन क्वांटिटी उसकी भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। 21 गर्लफ्रेंड है तेरी, सीसीटी में जाओगे तो अभी गुड़ थोड़ी मांगोगे, तो यार कहाँ मांगेगा सीसीटी में खांड। सो या सो यस यू कैन हैव शुगर, इफ यू डोंट वांट टू हैव रिप्लेस इट विद गुड़। या सर मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर फैक्ट्रीज में जहाँ पे शुगर बनती है, प्रोसेस शुगर जो होती है, तो जैसे उन्होंने पूरी शुगर बना ली तो उसका ना पानी बचता है, तो वो क्या साइड के खेतों में फेंक देते हैं, और जहाँ पे वो प्रोसेस जो पानी बचता है उनका, और जहाँ पे वो फेंकते हैं तो वहाँ पे दोबारा खेती नहीं होती, मतलब वो इतना हार्मफुल होता है। तो अब हम, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम रिप्लेस तो करना चाहिए। देखो अगेन यस एंड नो सेट, बताओ मैंने ये बोला है कि अगेन इफ यू वांट टू रिप्लेस इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, बट जो चीज आपने देखी दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव व्यूइंग या सेलेक्टिव वीडियोज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे अभी मेरा जस्ट लास्ट वीक आई लॉन्च हनी, ठीक है, द नेम इज हनी प्रो, इट्स फ्रॉम हिमाचल। अब अगर मैं हनी को ये बोलना शुरू कर दूं कि यार हनी जितनी मर्जी खाओ मेरी हनी है, और मैं हनी के सिर्फ फायदे गिनवाऊं, तो क्या होगा, मैं अपने ऑडियंस को मिसलीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको सेलेक्टिव चीजें दिखा रहा हूँ। तो व्हेन समबडी शोज यू ऐसी चीजें, तो वो आपको सेलेक्टिव चीज दिखा रहे हैं और उसको लिंक किसी और चीज के साथ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो यू केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिससे वो रिफाइन करते हैं। वो केमिकल्स को जब हम खेत में डाल रहे हैं तो दैट एरिया इज ऑब्वियसली टॉक्सिक है, तो खराब हो जाता है राइट। लेकिन वो केमिकल फर्स्टली आपकी जो शुगर है उसमें बहुत रेयर क्वांटिटी में आते हैं, बहुत रेयर, ओके। सेकेंड कितनी चीनी खाओगे कि वो केमिकल आपकी बॉडी में पहुंच के हार्म करेगा? बिकॉज आज तक पूरी दुनिया में कोई एविडेंस ही ऐसा नहीं है। अगर कोई मुझे बोलता है मुझे शुगर खाने से, शुगर में जो केमिकल था उससे प्रॉब्लम हुई है, राइट? ऐसा हुआ ही नहीं कभी, आज तक कोई प्रूफ ही नहीं है। लोगों ने सारे टेस्ट कर दिए, कुछ ऐसा नहीं मिला। उनको सिर्फ एक ही चीज मिली है कि एक्सेस शुगर नहीं खानी, वो प्रॉब्लम देती है। एक्सेस शुगर में केमिकल्स हैं, इसीलिए ये चीजें एक्सेप्ट करनी क्यों मुश्किल आती है? क्योंकि हम साइंटिफिक बेंडर माइंड से नहीं सोचते, हम सिलेक्टिव चीज यू करके ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। यार ये देखो ये हो गया, हमारे साथ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सो फर्स्टली इफ यू वांट टू रिप्लेस, गो फॉर इट। 100% रिप्लेस गुड़ से या शहद से, लेकिन ये दिमाग में लेकर नहीं कि शुगर खाने से मुझे कुछ हो जाए। तो सही चीज भी रखो और रिप्लेस भी करो। भाई इज इट सिम्टोमेटिक पेन है, उसको कटवाना पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स है किसी को यहाँ? ओके, वेरिकोज वेन्स देखोगे काफ वगैरह में होती है, ऐसे गुच्छा सा बन जाता है वेन्स का, दैट्स वेरिकोज वेन्स। वो प्रॉब्लम नहीं करता, इट इज नॉट रिजेक्शन क्राइटेरिया आल्सो फॉर एनीथिंग। अगेन इट हैज टू बी सिम्टोमेटिक और इनसे। कई लोगों को पेन होती है, उनके केस में फिर देयर इज नो इलाज, आई मीन देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट। कुछ मेडिसिन होती है बट अल्टीमेटली व्हाट द डॉक्टर डू अ माइनर सर्जरी, और उनके बाहर वेन आदमी को छोटा सा कट करके द जॉइंट, सो दे रिमूव द वेन। बट अगर उससे कुछ नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं। बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रेडमिल वर्सेस नॉर्मल रनिंग। ओके, दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियो। देन आई मैक्सिमम स्क्वाड्रंस में जब मैं लेक्चर देता हूँ तो ये टॉपिक बहुत आता है, क्योंकि सारे ऑफिसर आजकल ट्रेडमिलों पे लगे हुए हैं, ठीक है? और वो ऐसे क्या, शाम को 60 ml पीना है, कितनी कैलोरी बर्न, नो। ट्रेडमिल्स इज, ट्रेडमिल वाज नेवर बिल्ट फॉर एक्सरसाइज। ट्रेडमिल का एक ही पर्पस था इनिशियली, फर्स्ट वाज नॉट इवन अ ट्रेडमिल, इट वाज फॉर ट्रेड व्हील। वो प्रिजनर्स को पनिशमेंट के लिए दी जाती थी, ठीक है? एंड जब ट्रेडमिल बनी जो आप लोग के जिम में है, दैट वाज मेड टू टेस्ट हार्ट पेशेंट्स। उसके अलावा ट्रेडमिल, फिर किसी ने स्मार्ट दिमाग लगाया बिजनेसमैन ने, यार इसको तो मैं जिम में भी लगा सकता हूँ, विच इज अ गुड आइडिया अगर किसी का स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, लाइक्स टू रन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ट्रेडमिल। सबसे बड़ा इशू क्या है? अ पर्सन हु इज एबल टू रन हाफ एन आवर ऑन ट्रेडमिल वो बाहर 10 मिनट नहीं भाग पाएगा, ट्राई करना। क्यों? Think, yeah, because when you are moving on the ground, मैंने ground से जब run किया तो क्या किया, ground को push किया, right? If the ground itself is moving, तो कितनी energy जो मेरी थी वो खत्म। तो ground is itself is assisting me to run। तो इसलिए जो लोग ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं ना कि मैं मैराथन रनर बनने हूँ, वो 10 मिनट में गिर जाएंगे सारे बाहर। So running is always, always, always on the ground. Even if you become a millionaire tomorrow, run on the ground, not on treadmills. फॉर सम रीजन अगर लगता है कि नहीं यार मुझे ट्रेडमिल पे ही भागना है, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट ट्रेडमिल का 5 to 7 का इंक्लाइन करके उस पर भागना, ठीक है? आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, मैं नेशनल लेवल खेला है सर। इंडिया में ज्यादातर सीमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, हाँ। पर वैसे फॉरेन में होते सर वुडन ज्यादा, गरीब कंट्री है भाई। तो सर इंडिया में कहा जाता है कि एवरी टाइम यू जंप इट अफेक्ट्स योर नीज। तो फिर ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कहते हैं कि इंडिया मतलब जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनके घुटने नॉर्मल पीपल से जल्दी खराब हो जाते हैं। आई विल नॉट से एग्जैक्टली, ऐसा कोई वो नहीं है, कहने की बातें भी होती हैं, लेकिन बिकम एन एनआरआई, और कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम विद स्पोर्ट्स इन इंडिया यार, यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप नहीं हो रही, ठीक है? मैक्सिमम इफ यू गो टू प्लेस लाइक गुड़गांव एंड ऑल, तो सोसाइटीज के अंदर ट्रैक्स बने हुए हैं, प्रॉपर ट्रैक्स, ठीक है, रनिंग ट्रैक्स एंड ऑल, और स्टेडियम नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बास्केटबॉल और यू, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंट्री इन स्पोर्ट्स। So I wanted to know if there is anything that can be done for cubitus valgus, the elbow deformity. No, nothing, no exercise or anything. Anything which is related to your joint or bone deformity or bone width, in most cases you can't do anything. So like in defense there is a particular range in which your angle should be, usse zyada hota to they reject you. Get it checked, agar usse zyada hai, देखो again if I tell you false statements you will not feel good बाद में, if I tell you the truth तो you will accept it and take the next step rather than सोच के कि यार शायद हो जाए। Don't waste your life in शायद, know the right thing। अगर लगता है कि there's a particular angle, get your angle measured from a good doctor orthopedic and then think कि अगर यार ये ज़्यादा हो रहा है, forget it, ठीक है? लेकिन अगर लगता है वो रेंज में है, continue। Thank you sir। तो गलती से जब तुम कोई मूवमेंट कर रहे हो, गलत स्विच अगर ऑपरेट हो गया तो कहानी खत्म है। then you are dead and the aircraft is gone, है कि नहीं? इसलिए वो job specific उसका मतलब ये नहीं कि कुछ कमी है या it is not a negative thing, ठीक है? If you are rejected on medical grounds in Bhuj, तो वो job specific है, it is not a negative concept about you, ठीक है? अगर height ज़्यादा है, that canopy will hit your head, तो तुम ejection के पहले मर जाओगे, हानि खत्म है. He is absolutely right. मतलब this is the thing I see youngsters में बहुत ज़्यादा defense forces वालों में, इनको लगता है अगर मेरे में कोई medical issue है, जो फौज में fit नहीं बैठ रहा, तो शायद मैं अपने को curse करने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ? You're not integration, ठीक है? Okay, you are amazing in the way you are. अपनी abilities को पहचानो, और अगर किसी job में fit नहीं बैठ रहे, forget that job. There is much more in it. Yeah. हाँ मेरी हाई है अच्छा मेरी लो है यानी मैं नॉर्मल भी एकदम वॉक करूँगी ना सिर्फ तो भी मेरी अराउंड 120 हो जाती है कभी कभार और मेरे इतने टेस्ट हो चुके हैं हर तो मुझे नाम नॉर्मल होगा उन्होंने कहा कुछ दिक्कत हाँ कुछ ब्रेन के भी काफी टेस्ट करा दिए थे कुछ नहीं तो ऐसे ही रहो उस वजह से मुझे ना दो बार मैं मतलब चक्कर खा के भी गिर जाती उस टाइम 150 या 160 हो जाती है Did they do a proper test of running with you? रनिंग से कराया उस टाइम क्या निकला एको कराया था वो जो 24 घंटे वाला ओके क्या निकला उसमें तो मैंने कहा कि हार्ट बीट तेज हो रहा है कभी कभार जैसे आपको 170 हो गई तेज आप बीपीएन हार्ट बीट पर अगर कॉम्बिनेशन हां ओके सेट बताता हूं देखो ये चीज अगर आपके किसी मेडिकल में डिटेक्ट नहीं हुई व्हिच इज आई एम श्योर फोर्सेस में तो ऐसी चीज टेस्ट नहीं होती है ऐसा तो कुछ नहीं होगा अंटिल के ईसीजी में क्योंकि अगर आपने करा लिया है इसका मतलब कुछ नहीं तो वो फौज में भी नहीं निकलेगा राइट जैसे आई वाज हैविंग एन एथलीट्स हार्ट मेरा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बहुत लो है माय रेस्टिंग हार्ट रेट वाज समवेयर 45 तो मैं आई रिमेंबर मेरी जब सर्जरी हो रही थी ना तो एंड आई वाज ऑन द बेड तो मेरे टांगों के बीच में इतनी बड़ी वो मशीन रखी उन्होंने एंड अब वो बार बार चेक करें वो हार्ट बीट तो वो कह रहे सर लो ब्लड प्रेशर लो हार्ट बीट देखो सर क्या हो गया है तो वो डॉक्टर नहीं होगी उन्होंने बोला ले जाओ इसको ऑपरेट करो कुछ नहीं क्यों बिकॉज दे न्यू दैट आई वाज एन एथलीट एंड माय हार्ट वाज मोर एफिशिएंट जिसे हम एथलीट्स हार्ट कहते हैं राइट नाउ इट टुक मी 15 डेज इन मेडिकल्स टू क्लियर माय मेडिकल्स यू नो दिस आई डिड नॉट क्लियर इन द फर्स्ट 2 डेज ओके जब मैंने क्लियर माय एसएसबी तो आई वाज इन मैसूर दैट वाज माय एसएसबी एंड आई वाज द ओनली गाय फ्रॉम नॉर्थ इंडिया आउट ऑफ 95 पीपल 3 वाज सिलेक्टेड आई थिंक 4 समथिंग I was the only guy from North India Air Force में select हुआ था इसने flying वो क्या होता है PABT clear किया था अब तो change हो गया ना PABT नहीं आपके साथ या तो I cleared that then but medical में इतनी problem why because same issue the heart one you have already tested तो आपको पता ही नहीं है कोई tension नहीं होगी सब कुछ clear है मेरे में मुझे पता नहीं था लेकिन जब उन्होंने test किया तो 15 days I was in Bangalore and I 15 दिन कभी मणिपाल hospital कभी ये test कभी वो test why because they were not able to understand But then one of the top cardiac surgeons he said there is no problem. I mean it's clear because it's a natural thing. So in your cases, I said the problem to nahi honi chahiye. And if this is a genetic issue you're born with, can't do anything. किसी को BP issue या कोई heartbeat issues किसी को? Anybody having such issues? High blood pressure, low blood pressure. And what is the general BP which you have? Average with मतलब normal ठीक रहता है? Is it suddenly shoots up for some reason or doing something? Stressed. So it's more of a stress-induced hypertension. Okay. So कुछ नहीं remain calm. You'll be fine. थोड़ा सा for you try and meditate a bit. ठीक है. Try and ये थोड़ी उल्टी statement दे रहा हूँ. Try and get into difficult situations. Not get away from them. If you don't get into them, you don't fight them, तो lifelong भागते रहोगे and the BP issues will never go. So you seem to be stressed because of couple of things. Understand the reason of the stress. Face it. ठीक है. Difficult situation का मतलब ये नहीं कि रेल की पटरी के बीच में खड़े रहोगे अभी ट्रेन आएगी मैं देखती हूँ अभी ना वो शाहरुख खान टाइप की एकदम 1 सेकंड में जंप करोगे ठीक है. उसमें बीपी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा. हाँ. All done. All hungry now. भूख लग रही है. Yeah. ये जैसे दैट जो है ना मुझे क्लास में छुट्टी होने वाली है ना लास्ट में अरे हाँ यार सॉरी थैंक यू अक्षय सबके सवाल ये होंगे खत्म हो गए या नहीं, या अभी खाना खाना इसलिए चल रहने दो यार, अभी ना हो गया। हैप्पी, यूजफुल, हैप्पी, वेरी हैप्पी है। चलो अभी खाना मिल जाएगा तो नाउ वी आर हैप्पी ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और लेट्स टेक अ सेल्फी, ओके। मिल गया, अच्छा वो बैठे बैठे देख लिया, ठीक है। Just go to the channel, write the doubt, or you go to my website, मेरी email है, just mail me, ठीक है। Thank you Akshay, thank you very much, ठीक है। And सबके सामने बता दूँ, मैंने I have taken advantage of our association, ठीक है। And मेरे को भी दुख हो रहा है कि पिछले बार क्यों नहीं लिया मैंने, ठीक है। So we lost out on last year, ठीक है, last camp in February, ठीक है। Thank you Akshay, and as a small token of appreciation.